दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK मूवी फैक्ट पर। दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। फैंस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज हुई शाहिद कपूर की मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है फर्जी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फर्जी वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे फर्जी फिल्म ने कितनी कमाई किया था रिलीज होने के बाद, और दोस्तों ये फिल्म आपको अभी कहाँ पे देखने को मिलेगा हिंदी भाषा में, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्जी सीजन 2 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे फर्जी सीजन 2 कब तक रिलीज होगा। तो दोस्तों अगर आप भी फर्जी सीजन 2 को देखना चाहते हो और साथ ही साथ फर्जी फिल्म को भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्जी फिल्म के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें फिल्म कबीर सिंह से बड़े पर्दे पर अभिनेता शाहिद कपूर ने अपना करिश्मा वापस पा लिया था, लेकिन दोस्तों फिर 3 साल बाद फिल्म फर्जी में इसे वापस भी गवा दिया। अब दोस्तों ऐसी क्या चीज है फिल्म की कहानी में जिसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें उनका रुआब हमेशा हिंदी सिनेमा में रहा है। दोस्तों वह अभिनय भी काफी शानदार करते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कहने वाले कह सकते हैं कि राज और DK ने अभिनेता शाहिद कपूर की कबीर सिंह के बाद दोस्तों बनी रौनक को वेब सीरीज फर्जी में बुलाने की पूरी कोशिश की है। तो राज और DK ने करीब 9 साल पहले इस फिल्म की ऑफर की थी। दोस्तों शाहिद कपूर के पास पहले ऑफर आया था तो दोस्तों फिल्म की कहानी राज और DK ने सुनाई थी, लेकिन दोस्तों उस वक्त बात बनते बनते बिगड़ गई, लेकिन दोस्तों उस वक्त वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन दोस्तों करीब 9 साल बाद इस फिल्म को फिर से बनाया गया। राज और DK ने इस फिल्म को दोस्तों एक वेब सीरीज में बनाया और तकरीबन दोस्तों 8 एपिसोड का इस फिल्म को बना डाला है, और दोस्तों इस वेब सीरीज को Amazon प्राइम वीडियो में रिलीज किया गया है। लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है, लेकिन दोस्तों ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से दोस्तों शाहिद कपूर की छवि को इसमें थोड़ा सा खराब किया गया है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। इसी के साथ दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फर्जी की कहानी का DNA कुछ दोस्तों फैमिली मैन जैसा ही है दोस्तों, लेकिन वहां पे आपको बता दें श्रीकांत तिवारी हीरो है। यहां दोस्तों माइकल सेकंड लीड में नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म के अंदर शाहिद कपूर ने अभिनय किया हीरो के रूप में। दोस्तों शाहिद कपूर फिल्म में क्रांति लाना चाहते हैं और उनका नाना भी क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों के रास्ते फिल्म में अलग हो जाता है। वहीं पे दोस्तों राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी से उनके अपने दोस्तों बनाए देश प्रेमियों के यूनिवर्स का विस्तार होता दिखाया गया है। वो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले आदमी के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा कर्ज आ जाता है। उस कर्ज को ना चुका पाने की वजह से उसका नाती नकली नोट बनाने का कारोबार शुरू करता है, और किस तरह से उसने नकली नोट को बनाया है और कितनी सफाई से काम किया है, यही सब चीज इस फिल्म में आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे राज और DK द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों जिन्होंने सीता मिलन और उनके अलावा सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह लेखन भी किया था, इसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और उनके अलावा KK मिलन और राशि खन्ना और उनके अलावा भुवन अरोरा अभिनय करते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये एक निराशा कलाकार की कहानी को फिल्म में बताया गया है जो नकली पैसा बनाने का फैसला कर लेता है अपनी जिंदगी से परेशान होकर। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फिल्म की कहानी 9 साल पहले शाहिद कपूर के सामने पेश किया गया था। शुरुआत में दोस्तों 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। वही दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी, लेकिन दोस्तों फिल्मांकन अलीबाग, गोवा और नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ। वही दोस्तों सचिन जिगर और उनके अलावा तनिष्क बागची ने गीतों की रचना की इस वेब सीरीज के लिए, जबकि दोस्तों केतन सोरा ने स्कोर प्रदान किया। और दोस्तों ये श्रृंखला राज और DK की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ थोड़ा सा मेलजोल करता है। इसी के साथ दोस्तों इस श्रृंखला का 8 एपिसोड है। यहाँ दोस्तों 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को Amazon प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी, और इसके बाद दोस्तों फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और ये सबसे ज्यादा दोस्तों देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी। और इसके बाद फरवरी 2023 के अंत तक दोस्तों शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि शो दूसरे सीजन के लिए वापस भी आएगा।
इसी के साथ दोस्तों फर्जी के बारे में हम बात कर ले तो फर्जी यानी कि सनी के बारे में कहानी है, जो दोस्तों एक कलाकार है फिल्म में, जो अपने दादा की क्रांतिकारी प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आए दोस्तों असमानता से निराश हो गया है और वह नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सह निर्माता राज निधि मुरू के अनुसार दोस्तों फर्जी शीर्षक, जिसका अर्थ ये होता है कि नकली, दोस्तों जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित करता है। इस फिल्म की कहानी, जिसे दोस्तों 2023 में सबसे ज्यादा इस शो को देखा गया है और पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिल्म की कहानी कैसी है और दोस्तों इस फिल्म की कहानी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों फर्जी के बारे में सबसे पहले कल्पना किया गया था 2014 में राज और डीके द्वारा शाहिद कपूर और इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक फिल्म के रूप में पहले की गई थी। साल के अंत तक दोस्तों कृति सेनन कलाकारों में शामिल भी हो गई थी अभिनय करने के लिए, लेकिन दोस्तों 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया। इसमें दोस्तों शाहिद कपूर अभी भी जुड़े हुए थे। जनवरी 2021 में शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई है। सितंबर 2021 में भुवन अरोरा ने कहा था कि वह श्रृंखला पर काम कर रहे थे जब वह चेन्नई में थे, द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे तब। तो दोस्तों राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन शुरू होने के 40 दिन बाद वह प्रोडक्शन में शामिल हो गए थे और इसके बाद दोस्तों सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी सह कलाकार राशि खन्ना को दिया, जिनके साथ उन्होंने पहले तमिल फिल्म में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई। फिल्मांकन गोवा, अलीबाग, नेपाल और जॉर्डन में इस फिल्म को फिल्माया गया है। इस सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा दोस्तों 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजनाओं की लॉन्च प्रदर्शन के दौरान दोस्तों श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई थी। वहीं दोस्तों शाहिद कपूर, सेतुपति और राशि खन्ना और के मिलन, उनके अलावा दोस्तों रेजीना कैंसेंडर, जाकिर हुसैन, ये सब इस फिल्म में नजर आए हुए हैं लीड रोल में। लेखक के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, लेखिका सीता मिलन ने कहा था कि राज और डीके के शो द फैमिली मैन के साथ दोस्तों क्रॉस ओवर का संकेत देने वाला एक दृश्य पूर्व नियोजित नहीं था और यही विचार राज को शूटिंग के दिन ही दोस्तों आया था। और जहां भी डीके ने बाद में दोस्तों क्रॉस ओवर की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों श्रृंखला में दुनिया दोस्तों एक दूसरे के समांतर चलती नजर आ रही थी कहानी के अंदर। दोस्तों इस फिल्म की हीरो शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की विशेषता वाले फर्जी के दो फर्स्ट लुक पोस्टर सबसे पहले 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे, जहां पर दोस्तों एक हफ्ता बाद 13 जनवरी को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया। और इसके बाद दोस्तों फिल्म के शो को बढ़ावा देने के लिए प्राइम वीडियो ने सेवा से दोस्तों ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 2000 के नकली नोट भेजने के लिए स्विक के साथ दोस्तों सहयोग किया था। और दोस्तों ये सीरीज 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और दोस्तों उस महीने के अंत में कपूर ने पुष्टि किया था कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस जरूर आएगी। तभी दोस्तों मार्च 2023 में बता दें जोरावर सिंह उनकला दोस्तों कलसी नाम के एक यूट्यूबर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह को श्रृंखला के एक दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए गुड़गांव में दोस्तों गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने एक तेज रफ्तार कार से नकली नोट फेंके थे। इसी तरह दोस्तों फिल्म के आलोचकों ने अभिनेता शाहिद कपूर और दोस्तों उनके अलावा विजय सेतुपति और दोस्तों कई सारे अभिनेता फिल्म में नजर आए थे, एक साथ सभी ने फोटो खिंचवाया था दोस्तों, वहां पे अभिनय की प्रशंसा की गई थी। इसके बाद दोस्तों NDTV के सेवल चटर्जी ने लिखा है कि एक मनोरंजन कहानी के लिए धन्यवाद। इसमें दोस्तों समान रूप से गति वाली श्रृंखला देखने को मिली, यहाँ पे व्यक्तिगत अध्यायों और दोस्तों उसके सभी 8 एपिसोड में अपनी गति बनाए रखते हैं। और अभिनेता शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और के मेनन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, जिसकी वजह से दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि अतुलनीय विजय सेतुपति फिल्म में देखते हैं। इस फिल्म में विजय सेतुपति का किरदार काफी अच्छा उनको लगा था, जीवंत लगा, जो शो को जीवंत करते हैं, जो अपने स्टार शाहिद कपूर की सेवा में लगे हुए हैं। इसके कथानक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों द हिंदू के अनुज कुमार जी ने भी इसकी तुलना द फैमिली मैन से ही की। यहाँ पे दोस्तों प्रतिकूल ये निकाला गया और प्रतिकूल रूप से दोस्तों इसका रिव्यू करते हुए लिखा गया है कि द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी
निर्धारित की गई थी वह यहाँ पर बार बार दोस्तों दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें हैं। और इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त किया था कि कैसे लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों बिताए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को ढीला छोड़ दिया गया है। लेकिन शाहिद कपूर और सेतुपति के प्रदर्शन को शानदार ढंग से बनाया गया है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को Rediff.com की तरफ से रिव्यू किया गया। उनके तरफ से दोस्तों दीपा गहलोत ने विजय सेतुपति और केके मेनन के प्रदर्शन की सराहना की और दोस्तों उन्हें कुछ एपिसोड इसके अलावा दोस्तों एंड ऑफ लाइन पंपिंग वाले लगे, लेकिन दोस्तों अन्य एपिसोड उबासी प्रेरक लगे हैं। इसके बाद दोस्तों दीप प्रिंट की निधिमा तनेजा ने इसे रोचक अपराध थ्रिलर कहा और उन्होंने कहा कि भुवन अरोरा को श्रृंखला का ब्रेकआउट प्रदर्शन पाया गया फिल्म में, जो इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने लिखा है कि फर्जी एक दिलचस्प घड़ी को लेकर आया है, लेकिन दोस्तों बहुत अधिक विवरण के साथ ये कुछ हिस्सों में थकाऊ भी लगता है। उन्होंने कहा कि शाहिद कपूर ने इस बार दोस्तों इसे बाहर निकाल दिया है, जो दोस्तों विजय सेतुपति को उल्लेखनीय और मिलन को शीर्ष श्रेणी कहा गया। इसी के साथ दोस्तों स्क्रोल इनकी नंदिनी रामनाथ ने कहा कि शो की खूबियों में दोस्तों अच्छी तरह से चुने गए कलाकार नजर आए, यहाँ पे दोस्तों मजबूत व्यक्तिगत क्षण और इसके अलावा मीम्स के रूप में दोस्तों बने रहने वाले संवाद भी देखने को मिले और शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों वह विशेष रूप से पंकज कुमार की सिनेमेटोग्राफी से प्रभावित थी, जिसके बारे में दोस्तों उन्होंने कहा था कि इसमें गति पैदा करने के लिए दोस्तों लगातार कई टेक्स्ट शामिल किए गए हैं, जो एक दोस्तों शानदार काम है। और तभी दोस्तों प्रफुल्लित किया गया और प्रफुल्लित करने वाले मुंबई के दोस्तों भीषण ट्रैफिक जाम में पीछा करने का दृश्य भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगर क्या होता जब कोई कलाकार दोस्तों कानून की सीमाओं को पार करता है, ये भी एक सवाल है। क्या होता है जब दोस्तों वह एक साधारण मुद्रा नोट को कला के एक चुनौतीपूर्ण काम के रूप में देखना शुरू कर देता है। फिल्म के लेखक और निर्देशक जोड़ी राज और DKK हमारे समय की दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं से जूझते हुए करिश्माई चरित्र बनाने की अद्भुत क्षमता को दिखाया गया है। उनका कैनवास जीवन से भी बड़ा होता जाता है, लेकिन दोस्तों वह भावनाओं और विचारों की यहाँ पे जरदोजी को तीखे हास्य से दोस्तों यहाँ पे पिरोए धागे से समझते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म के अंदर उत्सुक्त यानी कि मास्टर इसी के साथ दोस्तों कारीगरों के विवरण के साथ बातचीत करते हैं, जो दोस्तों फर्जी के साथ हुआ एक यहाँ पे एवरी मैन यानी कि सीक्रेट एजेंट के साथ ब्रह्मा का विस्तार भी किया है, जिसे दोस्तों उन्होंने द फैमिली मैन के साथ बनाया था। वही पे भावनाएं फिल्म के अंदर स्वादिष्ट रखा गया है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज का 8 एपिसोड के बाद जो बहुत सारे दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण आते हैं और दोस्तों हंसने के लिए बहुत कुछ प्रदान किया गया है। श्रृंखला एक डमी बेचे जाने की भावनाओं के साथ दोस्तों छोड़ दिया जाता है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इन वर्षों में अभिनेता शाहिद कपूर उन भूमिकाओं में उत्कृष्ट नजर आए हैं जहाँ पे चरित्र के आत्मसम्मान पर दोस्तों हमला होता है। यहाँ दोस्तों एंटी हीरो सनी के रूप में वह उल्लेखनीय रूप से उस भूमिका में एक अजीब मुस्कान के साथ विचारशील जो है तीव्रता का मिश्रण करते हैं, जिसमें उनके वास्तविक जीवन की झलक को दिखाया गया है। बचपन में अपने पिता द्वारा त्याग दिया गया और तभी से सनी अपने धर्मी नाना यानी कि अमोल पालेकर की छात्र छाया में बड़ा हुआ, जो क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और उसके बाद दोस्तों कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। सनी फिल्म के अंदर क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और वह कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। हालांकि युवा कलाकार अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और मूल काम की तुलना में उनकी और दोस्तों नकली के लिए अधिक भुगतान भी करते हैं। जैसे ही दोस्तों उसने देखा कि पेयर शरण और दोस्तों बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण धीरे धीरे यहाँ पे मुरझाता है, तो दोस्तों क्रांति सनी के लिए एक सेवानिवृत्त विचार बन जाती है। लेकिन दोस्तों नानू और उसके दोस्तों दहते विचारों को बचाने के लिए कलाकार आगे बढ़ते हैं और अपनी कला को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेच देते हैं। जैसे जैसे उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उस पर हावी होते नजर आती है, सनी एक ब्लैक होल में फंस जाता है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि एक आदमी अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ता है और कैसे वो फिल्म में भस्म हो जाता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी नैतिक दुविधाओं से भरी हुई है, जिसे दोस्तों निपटना आसान नहीं है। जहाँ पे भावनात्मक ट्रैक दिखाया गया है, सनी को दोस्तों डर है कि उसका नानू जिसकी याददाश्त दिन पर दिन जो है खराब होती जा रही है, उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे।
लेकिन दोस्तों उसने उसके विश्वास का उल्लंघन किया। एक सहजता दोस्तों भावना पैदा करते हैं। तब दोस्तों सनी अपने नानू को पीछे से गले लगाने वाला सिंस आंखों में नम कर देता है। और ये दोस्तों पालेकर की प्राचीन उपस्थिति है जो अपने जो है प्रोजेक्ट को सावधानी से चुनते हैं, जो हमें दोस्तों वैचारिक जो है इसके अलावा इस लग ऑफ फेस की अखंडता में विश्वास दिलाता है। और तभी दोस्तों जब लेखक ट्रैक से भटक जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें को संभाला गया है। दोस्तों एक और यहाँ पे किरदार है माइकल का, विजय सेतुपति है इस किरदार में, जो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने वाला एक अनसंभावित जो है कुशल अधिकारी है, जो देश को नकली मुद्रा के संकट से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और दूसरी ओर मंसूर यानी कि के मिलन दृश्यों को बचाते हैं। दोस्तों वो अपने जो है ट्रेडमार्क यानी कि उत्कृष्ट के साथ एक सरीसृप आकृति जो है शनि की कल्पना और उसके उद्देश्य के लिए महत्वाकांक्षा को पंख देती है। विजय सेतुपति एक ही समय में उपयुक्त रूप से समझदार और आकर्षक है। जिस तरह से दोस्तों वह हिंदी में अपने संवाद बोलते हैं उसमें एक खास तरह का प्यार दिखता है, लेकिन दोस्तों अब शब्द भी आपको दिखता है और प्यारे लहजे उनके लगते हैं। और ये उनके शारीरिक और मुखर स्वर की शैली के बीच एक दिलचस्प अंतर पैदा करता है। और इसी के साथ दोस्तों मोहनलाल की याद दिलाता है, जिन्होंने दोस्तों कंपनी में एक प्रतिबंध कानून लागू करने वाले की भूमिका निभाई थी। और दोस्तों उनकी पारिवारिक कहानी श्रीकांत तिवारी की तुलना में आदि भी दिलचस्प नहीं है, लेकिन विजय सेतुपति ये सुनिश्चित करते हैं कि ये तब तक दोस्तों स्वादिष्ट बनी रहे जब तक दोस्तों माइकल अगले सीजन में तिवारी के साथ नोट्स साझा नहीं कर लेते। इसी के साथ दोस्तों शादी के साथ ये दूसरा तरीका है, वह एक मनमोहक दुष्ट के रूप में सामने आते हैं जिसकी दोस्तों परिस्थितियाँ उसे एक दलदल में धकेल देता है। और ये अफसोस की बात है कि हमें पहले सीजन में दोनों के बीच आमना सामना देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दूसरे सीजन के लिए पोर्ट को चालू रखने की साजिश रची हुई है। भले ही दोस्तों इसका मतलब कहानी कहने से दोस्तों समझौता करना और रुचि की स्थिर करना होगा। कहानी के बीच में एक प्रमुख है, लेकिन दोस्तों अच्छी तरह से लिखा गया है ट्रैक, जहाँ पे दोस्तों सनी नकली मुद्रा पर एक विशेषज्ञ मेघा राशि खन्ना के माध्यम से क्रेग टीम में घुसपैठ करता है, जो दिखावे के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब दिल की बात आती है तो वह लड़खड़ा जाती है। और ये दोस्तों भाग इस तरह से लिखा गया है कि किसी को दोस्तों कुछ समय के लिए अविश्वास को यहाँ पे स्थगित करने को कोई भी यानी कि आपत्ति नहीं है। इसके वजह से दोस्तों राशि एक ऐसी लड़की के रूप में भी प्रभावित है, प्रभावशाली है, जो शनि के जादू से अपने लक्ष्य से ज़्यादा दोस्तों विचलित नहीं होती है। आगे दोस्तों हमेशा की तरह एक्शन राज और डीके की यूनिवर्स यानी कि करंट अफेयर्स और इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड स्कोर से जुड़ा हुआ है। मंत्री के बारे में हम बात कर ले तो मंत्री यानी कि गहलोत, जाकिर हुसैन का हर चीज को दोस्तों चुनावी राजनीति से जोड़ने का आग्रह फिल्म के अंदर शानदार है। और जिस तरह से माइकल उन्हें हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मंत्री के पैर खींचने पर अखबार में एक बड़ी तस्वीर का विचार देते हैं, वो भी देखने में काफी ज्यादा कॉमेडी सीन लगता है। हालांकि सभी चित्र निर्माण और सक्षम प्रदर्शनों के लिए एक द फैमिली मैन का सरल जो है प्रशिक्षण है, यहाँ पे गहन अनुभव यहाँ पे गायब हो गया, क्योंकि निर्माता ये रेखांकित करने के लिए उत्सुकता को दिखाते हैं। फर्जी एक जादूगर के काम की दोस्तों तरह लगता है, जो बाजार की मांग पर अपनी चाल दोहराता हुआ नजर आता है। इसके बाद दोस्तों द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियाँ निर्धारित की गई थी वो भी देखने लायक है। वह यहाँ पर दोस्तों बार बार दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीज़ें हैं। फिल्म की पटकथा उस आकर्षक दोस्तों कोड की तरह लगता है, जिसकी दोस्तों लाइनिंग ठीक से नहीं दिखाई गई है और 8 एपिसोड के उतार चढ़ाव के दौरान रास्ता छोड़ दिया जाता है। ऐसे हिस्से फिल्म में है जब दोस्तों ऐसा लगता है कि नकली मुद्रा पर लेखकों के शोध नोट्स स्क्रिप्ट में दोस्तों फिसल जाती है और हम नकली बिलों को स्क्रीन पर कैसे प्रदर्शित किया गया ये भी देखने को मिला। उस पर दोस्तों एक निर्देश यहाँ पे पुस्तिका देख सकते हैं, जहाँ पे मजे की बात यह है कि लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों खर्च किए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया गया है, जो ज़्यादा देखने में मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों अगर फर्जी की पूरी कहानी को समझना चाहते हो तो आपको ये सीरीज तो एक बार देखना होगा। अगर दोस्तों फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो जब कोई शो या फिल्म कलाकारों के एक समूह के साथ बनाई जाती है तो सभी पात्रों के बीच
संतुलन बनाना कठिन तो होता है, लेकिन दोस्तों राज और डीके के इस पहलू में बेहद यानी कि सफल रहे हैं और शो में आने वाले हर किरदार को अहमियत मिली हुई है, चाहे वह के मिलन के गिरोह का गुंडा हो या फिर अपने जो है प्रेमी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उससे दोस्तों अलग होना चाहती हूँ। हर किरदार का अपना उद्देश्य इस फिल्म में काफी शानदार है। विजय सेतुपति प्रतिभा के सागर है और दोस्तों वह अभिनेता एक बार फिर शो में शानदार प्रदर्शन करते हैं, जिसके वजह से टास्क फोर्स अधिकारी के रूप में वह बहुत प्रखर है और अगर कोई अन्य कलाकार इसे निभाता तो इसका प्रभाव इससे बेहतर नहीं हो सकता था। और दोस्तों उनकी कॉमेडी टाइमिंग निश्चित रूप से आपको गुदगुदाने वाली देखने को मिलेगी, जो केंद्रीय मंत्री के साथ विजय सेतुपति के दृश्य बड़ा फिल्म के अंदर दोस्तों मनोरंजन तरीके से उनके साथ फिल्माया गया है। इसी के साथ दोस्तों आगे आपको बता दें, सनी के रूप में शाहिद कपूर ने पार्क से बाहर दस्तक दी, जहां शाहिद कपूर फर्जी की आत्मा है जिसके चारों ओर दोस्तों पूरी कहानी घूमती है, चाहे वह कॉमेडी हो या फिर इमोशंस हो या फिर एक्शन हो या फिर रोमांस। अभिनेता ने इसमें दोस्तों अपना सब कुछ झोंक दिया है और शो में शाहिद बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उन्हें अपने अभिनय के लिए दोस्तों निश्चित रूप से जबरदस्त यानी कि तालियां मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों निर्माता ने शाहिद के चरित्र के माध्यम से कुछ सामाजिक जो है तत्वों को भी छुआ है, जो भुवन अरोड़ा का विशेष उल्लेख आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ अभिनेत्री राशि खन्ना के बारे में हम बात करें तो राशि खन्ना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वह इसमें आश्चर्य चर्चित भी करती है सभी को, और उन्हें अभिनय के लिए अधिक जो है अवसर मिला और अभिनेत्री भूमिका में उपयुक्त थी और के मिलन खलनायक रूप में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सभी का सेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फर्जी वेब सीरीज का अधिकार दोस्तों अमेजन प्राइम वीडियो को दिया गया है। इसके 8 एपिसोड को 2023 में 10 फरवरी को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो अमेजन प्राइम वीडियो में सीरीज को आप देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्जी फिल्म के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, फिल्म कबीर सिंह से बड़े पर्दे पर अभिनेता शाहिद कपूर ने अपना करिश्मा वापस पा लिया था, लेकिन दोस्तों फिर 3 साल बाद फिल्म फर्जी में इसे वापस भी गवा दिया। अब दोस्तों ऐसी क्या चीज है फिल्म की कहानी में जिसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, उनका रुआब हमेशा हिंदी सिनेमा में रहा है, दोस्तों वो अभिनय भी काफी शानदार करते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, कहने वाले कह सकते हैं कि राज और डीके ने अभिनेता शाहिद कपूर की कबीर सिंह के बाद दोस्तों बनी रौनक को वेब सीरीज फर्जी में भुनाने की पूरी कोशिश की है। तो राज और डीके ने करीब 9 साल पहले इस फिल्म की ऑफर की थी। दोस्तों शाहिद कपूर के पास पहले ऑफर आया था तो दोस्तों फिल्म की कहानी राज और डीके ने सुनाई थी, लेकिन दोस्तों उस वक्त बात बनते बनते बिगड़ गई, लेकिन दोस्तों उस वक्त वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन दोस्तों करीब 9 साल बाद इस फिल्म को फिर से बनाया गया। राज और डीके ने इस फिल्म को दोस्तों एक वेब सीरीज में बनाया और तकरीबन दोस्तों 8 एपिसोड का इस फिल्म को बना डाला है और दोस्तों इस वेब सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो में रिलीज किया गया है। लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है, लेकिन दोस्तों ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से दोस्तों शाहिद कपूर की छवि को इसमें थोड़ा सा खराब किया गया है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। इसी के साथ दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फर्जी की कहानी का DNA कुछ दोस्तों फैमिली मैन जैसा ही है दोस्तों, लेकिन वहां पे आपको बता दें श्रीकांत तिवारी हीरो है। यहां दोस्तों माइकल सेकंड लीड में नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म के अंदर शाहिद कपूर ने अभिनय किया हीरो के रूप में। दोस्तों शाहिद कपूर फिल्म में क्रांति लाना चाहते हैं और उनका नाना भी क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों के रास्ते फिल्म में अलग हो जाता है। वहीं पे दोस्तों राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी से उनके अपने दोस्तों बनाए देश प्रेमियों के यूनिवर्स का विस्तार होता दिखाया गया है। तो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले आदमी के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा कर्ज आ जाता है। उस कर्ज को ना चुका पाने की वजह से उसका नाती नकली नोट बनाने का कारोबार शुरू करता है और किस तरह से उसने नकली नोट को बनाया है और कितनी सफाई से काम किया है, यही सब चीज इस फिल्म में आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों
ये सीरीज एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे राज और डीके द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों जिन्होंने सीता मिलन और उनके अलावा सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह लेखन भी किया था इसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और उनके अलावा के मिलन और राशि खन्ना और उनके अलावा भुवन अरोरा अभिनय करते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये एक निराशा कलाकार की कहानी को फिल्म में बताया गया है जो नकली पैसा बनाने का फैसला कर लेता है अपनी जिंदगी से परेशान होकर। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फिल्म की कहानी 9 साल पहले शाहिद कपूर के सामने पेश किया गया था। शुरुआत में दोस्तों 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। वही दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी लेकिन दोस्तों फिल्मांकन अलीबाग, गोवा और नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ। वही दोस्तों सचिन जिगर और उनके अलावा तनिष बागची ने गीतों की रचना की इस वेब सीरीज के लिए जबकि दोस्तों केतन सोरा ने स्कोर प्रदान किया। और दोस्तों ये श्रृंखला राज और डीके की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ थोड़ा सा मेलजोल करता है। इसी के साथ दोस्तों इस श्रृंखला का 8 एपिसोड है। यहाँ दोस्तों 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को Amazon प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी और इसके बाद दोस्तों फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और ये सबसे ज्यादा दोस्तों देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी। और इसके बाद फरवरी 2023 के अंत तक दोस्तों शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि शो दूसरे सीजन के लिए वापस भी आएगा। इसी के साथ दोस्तों फर्जी के बारे में हम बात कर ले तो फर्जी यानी कि सनी के बारे में कहानी है जो दोस्तों एक कलाकार है फिल्म में जो अपने दादा की क्रांतिकारी प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आए दोस्तों असमानता से निराश हो गया है और वह नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सह निर्माता राज निधि मोरू के अनुसार दोस्तों फर्जी शीर्षक जिसका अर्थ यह होता है कि नकली दोस्तों जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित करता है इस फिल्म की कहानी जिसे दोस्तों 2023 में सबसे ज्यादा इस शो को देखा गया है और पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिल्म की कहानी कैसी है और दोस्तों इस फिल्म की कहानी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों फर्जी के बारे में सबसे पहले कल्पना किया गया था 2014 में राज और डीके द्वारा शाहिद कपूर और इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक फिल्म के रूप में पहले की गई थी। साल के अंत तक दोस्तों कृति सेनन कलाकारों में शामिल भी हो गई थी अभिनय करने के लिए लेकिन दोस्तों 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया। इसमें दोस्तों शाहिद कपूर अभी भी जुड़े हुए थे। जनवरी 2021 में शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई है। सितंबर 2021 में भुवन अरोरा ने कहा था कि वह श्रृंखला पर काम कर रहे थे जब वह चेन्नई में थे द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे तब। तो दोस्तों राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन शुरू होने के 40 दिन बाद वह प्रोडक्शन में शामिल हो गए थे और इसके बाद दोस्तों सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी सहकलाकार राशि खन्ना को दिया जिनके साथ उन्होंने पहले तमिल फिल्म में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई। फिल्मांकन गोवा, अलीबाग, नेपाल और जॉर्डन में इस फिल्म को फिल्माया गया है। इस सीरीज को Amazon प्राइम वीडियो द्वारा दोस्तों 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजनाओं की लॉन्च प्रदर्शन के दौरान दोस्तों श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई थी। वहीं दोस्तों शाहिद कपूर, सेतुपति और राशि खन्ना और के मिलन उनके अलावा दोस्तों रेजीना कैंसेंडर, जाकिर हुसैन ये सब इस फिल्म में नजर आए हुए हैं लीड रोल में। लेखक के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों लेखिका सीता मिलन ने कहा था कि राज और डीके के शो द फैमिली मैन के साथ दोस्तों क्रॉस ओवर का संकेत देने वाला एक दृश्य पूर्व नियोजित नहीं था और यह विचार राज को शूटिंग के दिन ही दोस्तों आया था। और जहां भी डीके ने बाद में दोस्तों क्रॉस ओवर की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों श्रृंखला में दुनिया दोस्तों एक दूसरे के समांतर चलती नजर आ रही थी कहानी के अंदर। दोस्तों इस फिल्म की हीरो शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की विशेषता वाले फर्जी के दो फर्स्ट लुक पोस्टर सबसे पहले 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे जहां पर दोस्तों एक हफ्ता बाद 13 जनवरी को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया। और इसके बाद दोस्तों फिल्म के शो को बढ़ावा देने के लिए प्राइम वीडियो ने सेवा से दोस्तों ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को
2000 के नकली नोट भेजने के लिए स्विक के साथ दोस्तों सहयोग किया था। और दोस्तों ये सीरीज 10 फरवरी 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। और दोस्तों उस महीने के अंत में कपूर ने पुष्टि किया था कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस जरूर आएगी। तभी दोस्तों मार्च 2023 में बता दें जोरावर सिंह उनकला दोस्तों कलसी नाम के एक यूट्यूबर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह को श्रृंखला के एक दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए गुड़गांव में दोस्तों गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने एक तेज रफ्तार कार से नकली नोट फेंके थे। इसी तरह दोस्तों फिल्म के आलोचकों ने अभिनेता शाहिद कपूर और दोस्तों उनके अलावा विजय सेतुपति और दोस्तों कई सारे अभिनेता फिल्म में नजर आए थे, एक साथ सभी ने फोटो खिंचवाया था। दोस्तों वहां पे अभिनय की प्रशंसा की गई थी। इसके बाद दोस्तों NDTV के सेवल चटर्जी ने लिखा है कि एक मनोरंजन कहानी के लिए धन्यवाद। इसमें दोस्तों समान रूप से गति वाली श्रृंखला देखने को मिली, जहाँ पे व्यक्तिगत अध्यायों और दोस्तों उसके सभी 8 एपिसोड में अपनी गति बनाए रखते हैं। और अभिनेता शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और के मैन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, जिसकी वजह से दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि अतुलनीय विजय सेतुपति फिल्म में दिखते हैं। इस फिल्म में विजय सेतुपति का किरदार काफी अच्छा उनको लगा था, जीवंत लगा, जो शो को जीवंत करते हैं, जो अपने स्टार शाहिद कपूर की सेवा में लगे हुए हैं। इसके कथानक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों द हिंदू के अनुज कुमार जी ने भी इसकी तुलना द फैमिली मैन से ही की। यहाँ पे दोस्तों प्रतिकूल ये निकाला गया और प्रतिकूल रूप से दोस्तों इसका रिव्यू करते हुए लिखा गया है कि द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी निर्धारित की गई थी वह यहाँ पर बार बार दोस्तों दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें हैं। और इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त किया था कि कैसे लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों बिताए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को ढीला छोड़ दिया गया है, लेकिन शाहिद कपूर और सेतुपति के प्रदर्शन को शानदार ढंग से बनाया गया है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को Rediff.com की तरफ से रिव्यू किया गया। उनके तरफ से दोस्तों दीपा गहलोत ने विजय सेतुपति और के मेनन के प्रदर्शन की सराहना की और दोस्तों उन्हें कुछ एपिसोड इसके अलावा दोस्तों एंड्रो लाइन पंपिंग वाले लगे, लेकिन दोस्तों अन्य एपिसोड उबासी प्रेरक लगे हैं। इसके बाद दोस्तों दीप प्रिंट की निधिमा तनेजा ने इसे रोचक अपराध थ्रिलर कहा और उन्होंने कहा कि भुवन अरोरा को श्रृंखला का ब्रेकआउट प्रदर्शन पाया गया फिल्म में, जो इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने लिखा है कि फर्जी एक दिलचस्प घड़ी को लेकर आया है, लेकिन दोस्तों बहुत अधिक विवरण के साथ ये कुछ हिस्सों में थकाऊ भी लगता है। उन्होंने कहा कि शाहिद कपूर ने इस बार दोस्तों इसे बाहर निकाल दिया है, जो दोस्तों विजय सेतुपति को उल्लेखनीय और मिलन को शीर्ष श्रेणी कहा गया। इसी के साथ दोस्तों स्क्रोल इन की नंदिनी रामनाथ ने कहा कि शो की खूबियों में दोस्तों अच्छी तरह से चुने गए कलाकार नजर आए, यहाँ पे दोस्तों मजबूत व्यक्तिगत क्षण और इसके अलावा मीम्स के रूप में दोस्तों बने रहने वाले संवाद भी देखने को मिले और शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों वह विशेष रूप से पंकज कुमार की सिनेमेटोग्राफी से प्रभावित थी, जिसके बारे में दोस्तों उन्होंने कहा था कि इसमें गति पैदा करने के लिए दोस्तों लगातार कई टेक्स्ट शामिल किए गए हैं, जो एक दोस्तों शानदार काम है। और तभी दोस्तों प्रफुल्लित किया गया और प्रफुल्लित करने वाले मुंबई के दोस्तों यानी कि भीषण ट्रैफिक के जाम में पीछा करने का दृश्य भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगर क्या होता जब कोई कलाकार दोस्तों कानून की सीमाओं को पार करता है, ये भी एक सवाल है। क्या होता है जब दोस्तों वह एक साधारण मुद्रा नोट को कला के एक चुनौतीपूर्ण काम के रूप में देखना शुरू कर देता है। फिल्म के लेखक और निर्देशक जोड़ी राज और DK हमारे समय की दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं से जूझते हुए करिश्माई चरित्र बनाने की अद्भुत क्षमता को दिखाया गया है। उनका कैनवास जीवन से भी बड़ा होता जाता है, लेकिन दोस्तों वह भावनाओं और विचारों की यहाँ पे जरदोजी को तीखे हास्य से दोस्तों यहाँ पे पिरोए धागे से समझते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों फिल्म के अंदर उत्सुक यानी कि मास्टर इसी साथ दोस्तों कारीगरों के विवरण के साथ बातचीत करते हैं, जो दोस्तों फर्जी के साथ हुआ एक यहाँ पे एवरी मैन यानी कि सीक्रेट एजेंट के साथ ब्रह्मा का विस्तार भी किया है, जिसे दोस्तों उन्होंने द फैमिली मैन के साथ बनाया था। वहीं पे भावनाएं फिल्म के अंदर स्वादिष्ट रखा गया है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज का 8 एपिसोड के बाद जो बहुत सारे दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण आते हैं और दोस्तों हंसने के लिए बहुत कुछ प्रदान किया गया है। श्रृंखला एक डमी बेचे जाने की भावनाओं के साथ दोस्तों छोड़ दिया जाता है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इन वर्षों में अभिनेता शाहिद कपूर उन भूमिकाओं में उत्कृष्ट नजर आए हैं जहाँ पे चरित्र के आत्मसम्मान पर दोस्तों हमला होता है।
यहाँ दोस्तों एंटी हीरो सनी के रूप में वह उल्लेखनीय रूप से उस भूमिका में एक अजीब मुस्कान के साथ विचारशील जो है तीव्रता का मिश्रण करते हैं, जिसमें उनके वास्तविक जीवन की झलक को दिखाया गया है। बचपन में अपने पिता द्वारा त्याग दिया गया और तभी से सनी अपने धर्मी नाना यानी कि अमोल पालेकर की छात्र छाया में बड़ा हुआ, जो क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और उसके बाद दोस्तों कांपते हाथों से द थिंकर को चित्रित करता है। सनी फिल्म के अंदर क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और वह कांपते हाथों से द थिंकर को चित्रित करता है। हालांकि युवा कलाकार अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और मूल काम की तुलना में उनकी और दोस्तों नकली के लिए अधिक भुगतान भी करते हैं। जैसे ही दोस्तों उसने देखा कि पियर्सन और दोस्तों बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण धीरे धीरे यहाँ पे मुरझाता है, तो दोस्तों क्रांति सनी के लिए एक सेवानिवृत्त विचार बन जाती है। लेकिन दोस्तों नानू और उसके दोस्तों दहते विचारों को बचाने के लिए कलाकार आगे बढ़ते हैं और अपनी कला को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेच देते हैं। जैसे जैसे उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उस पर हावी होते नजर आती है, सनी एक ब्लैक होल में फंस जाता है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि एक आदमी अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ता है और कैसे वो फिल्म में भस्म हो जाता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी नैतिक दुविधाओं से भरी हुई है, जिसे दोस्तों निपटना आसान नहीं है। जहाँ पे भावनात्मक ट्रैक दिखाया गया है, सनी को दोस्तों डर है कि उसका नानू, जिसकी याददाश्त दिन पर दिन जो है खराब होती जा रही है, उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों उसने उसके विश्वास का उल्लंघन किया, एक सहजता दोस्तों भावना पैदा करते हैं। तब दोस्तों सनी अपने नानू को पीछे से गले लगाने वाला सिंस आंखों में नम कर देता है और ये दोस्तों पालेकर की प्राचीन उपस्थिति है, जो अपने जो है प्रोजेक्ट को सावधानी से चुनते हैं, जो हमें दोस्तों वैचारिक जो है इसके अलावा इस लग ऑफ फेस की अखंडता में विश्वास दिलाता है। और तभी दोस्तों जब लेखक ट्रैक से भटक जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें को संभाला गया है। दोस्तों एक और यहाँ पे किरदार है माइकल का, विजय सेतुपति है इस किरदार में, जो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने वाला एक अनसंभावित जो है कुशल अधिकारी है, जो देश को नकली मुद्रा के संकट से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी ओर मंसूर यानी कि के मेनन दृश्यों को बचाते हैं। दोस्तों वो अपने जो है ट्रेडमार्क यानी कि उत्कृष्ट के साथ एक सरीसृप आकृति जो है सनी की कल्पना और उसके उद्देश्य के लिए महत्वाकांक्षा को पंख देती है। विजय सेतुपति एक ही समय में उपयुक्त रूप से समझदार और आकर्षक है। जिस तरह से दोस्तों वह हिंदी में अपने संवाद बोलते हैं उसमें एक खास तरह का प्यार दिखता है, लेकिन दोस्तों अब शब्द भी आपको दिखता है और प्यारे लहजे उनके लगते हैं और ये उनके शारीरिक और मुखर स्वर की शैली के बीच एक दिलचस्प अंतर पैदा करता है। और इसी के साथ दोस्तों मोहनलाल की याद दिलाता है, जिन्होंने दोस्तों कंपनी में एक प्रतिबंध कानून लागू करने वाले की भूमिका निभाई थी और दोस्तों उनकी पारिवारिक कहानी श्रीकांत तिवारी की तुलना में आधी भी दिलचस्प नहीं है। लेकिन विजय सेतुपति ये सुनिश्चित करते हैं कि ये तब तक दोस्तों स्वादिष्ट बनी रहे जब तक दोस्तों माइकल अगले सीजन में तिवारी के साथ नोट्स साझा नहीं कर लेते। इसी के साथ दोस्तों शादी के साथ ये दूसरा तरीका है, वह एक मनमोहक दुष्ट के रूप में सामने आते हैं, जिसकी दोस्तों परिस्थितियाँ उसे एक दलदल में धकेल देता है। और ये अफसोस की बात है कि हमें पहले सीजन में दोनों के बीच आमना सामना देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दूसरे सीजन के लिए पोर्ट को चालू रखने की साजिश रची हुई है। भले ही दोस्तों इसका मतलब कहानी कहने से दोस्तों समझौता करना और रुचि की स्थिर करना होगा। कहानी के बीच में एक प्रमुख है, लेकिन दोस्तों अच्छी तरह से लिखा गया है ट्रैक, जहाँ पे दोस्तों सनी नकली मुद्रा पर एक विशेषज्ञ मेघा राशि खन्ना के माध्यम से क्रेक टीम में घुसपैठ करता है, जो दिखावे के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब दिल की बात आती है तो वह लड़खड़ा जाती है। और ये दोस्तों भाग इस तरह से लिखा गया है कि किसी को दोस्तों कुछ समय के लिए अविश्वास को यहाँ पे स्थगित करने को कोई भी यानी आपत्ति नहीं है। इसके वजह से दोस्तों राशि एक ऐसी लड़की के रूप में भी प्रभावशाली है जो सनी के जादू से अपने लक्ष्य से ज्यादा दोस्तों विचलित नहीं होती है। आगे दोस्तों हमेशा की तरह एक्शन, राज और डीके की यूनिवर्स यानी कि करंट अफेयर्स और इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड स्कोर से जुड़ा हुआ है। मंत्री के बारे में हम बात कर ले तो मंत्री यानी कि गहलोत, जाकिर हुसैन का हर चीज को दोस्तों चुनावी राजनीति से जोड़ने का आग्रह फिल्म के अंदर संदारे और जिस तरह से माइकल उन्हें हर बार
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मंत्री के पैर खींचने पर अखबार में एक बड़ी तस्वीर का विचार देते हैं, वो भी देखने में काफी ज्यादा कॉमेडी सीन लगता है। हालांकि सभी चित्र निर्माण और सक्षम प्रदर्शनों के लिए एक द फैमिली मैन का सरल जो है प्रशिक्षण है, यहाँ पे गहन अनुभव यहाँ पे गायब हो गया, क्योंकि निर्माता ये रेखांकित करने के लिए उत्सुकता को दिखाते हैं। फर्जी एक जादूगर के काम की दोस्तों तरह लगता है, जो बाजार की मांग पर अपनी चाल दोहराता हुआ नजर आता है। इसके बाद दोस्तों द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियां निर्धारित की गई थी वो भी देखने लायक है। हुआ यहाँ पर दोस्तों बार बार दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें हैं। फिल्म की पटकथा उस आकर्षक दोस्तों कोड की तरह लगता है, जिसकी दोस्तों लाइनिंग ठीक से नहीं दिखाई गई है और 8 एपिसोड के उतार चढ़ाव के दौरान रास्ता छोड़ दिया जाता है। ऐसे हिस्से फिल्म में है जब दोस्तों ऐसा लगता है कि नकली मुद्रा पर लेखकों के शोध नोट्स स्क्रिप्ट में दोस्तों फिसल जाती है और हम नकली बिलों को स्क्रीन पर कैसे प्रदर्शित किया गया है ये भी देखने को मिला। उस पर दोस्तों एक निर्देश यहाँ पे पुस्तिका देख सकते हैं, जहाँ पे मजे की बात यह है कि लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों खर्च किए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया गया है, जो ज़्यादा देखने में मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों अगर फर्जी की पूरी कहानी को समझना चाहते हो तो आपको ये सीरीज तो एक बार देखना होगा। अगर दोस्तों फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले, तो जब कोई शो या फिल्म कलाकारों के एक समूह के साथ बनाई जाती है तो सभी पात्रों के बीच संतुलन बनाना कठिन तो होता है, लेकिन दोस्तों राज और डीके के इस पहलू में बेहद यानी कि सफल रहे हैं और शो में आने वाले हर किरदार को अहमियत मिली हुई है, चाहे वह के मिलन के गिरोह का गुंडा हो या फिर अपने जो है प्रेमी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उससे दोस्तों अलग होना चाहती हो। हर किरदार का अपना उद्देश्य इस फिल्म में काफी शानदार है। विजय सेतुपति प्रतिभा के सागर है और दोस्तों वह अभिनेता एक बार फिर शो में शानदार प्रदर्शन करते हैं, जिसके वजह से टास्क फोर्स अधिकारी के रूप में वह बहुत प्रखर है और अगर कोई अन्य कलाकार इसे निभाता तो इसका प्रभाव इससे बेहतर नहीं हो सकता था। और दोस्तों उनकी कॉमेडी टाइमिंग निश्चित रूप से आपको गुदगुदाने वाली देखने को मिलेगी, जो केंद्रीय मंत्री के साथ विजय सेतुपति के दृश्य बड़ा फिल्म के अंदर दोस्तों मनोरंजन तरीके से उनके साथ फिल्माया गया है। इसी के साथ दोस्तों आगे आपको बता दें, सनी के रूप में शाहिद कपूर ने पार्क से बाहर दस्तक दी, जहां शाहिद कपूर फर्जी की आत्मा है, जिसके चारों ओर दोस्तों पूरी कहानी घूमती है, चाहे वह कॉमेडी हो या फिर इमोशंस हो या फिर एक्शन हो या फिर रोमांस। अभिनेता ने इसमें दोस्तों अपना सब कुछ झोंक दिया है और शो में शाहिद बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उन्हें अपने अभिनय के लिए दोस्तों निश्चित रूप से जबरदस्त यानी कि तालियां मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों निर्माता ने शाहिद के चरित्र के माध्यम से कुछ सामाजिक जो है तत्वों को भी छुआ है, जो भुवन अरोड़ा का विशेष उल्लेख आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ अभिनेत्री राशि खन्ना के बारे में हम बात करें तो राशि खन्ना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वह इसमें आश्चर्यचकित भी करती है सभी को, और उन्हें अभिनय के लिए अधिक जो है अवसर मिला और अभिनेत्री भूमिका में उपयुक्त थी और के मिलन खलनायक के रूप में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सभी का सेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फर्जी वेब सीरीज का अधिकार दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो को दिया गया है। इसके 8 एपिसोड को 2023 में 10 फरवरी को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो अमेज़न प्राइम वीडियो में सीरीज को आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्जी फिल्म के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, फिल्म कबीर सिंह से बड़े पर्दे पर अभिनेता शाहिद कपूर ने अपने करिश्मा वापस पा लिया था, लेकिन दोस्तों फिर 3 साल बाद फिल्म फर्जी में इसे वापस भी गवा दिया। अब दोस्तों ऐसी क्या चीज है फिल्म की कहानी में जिसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, उनका रुआब हमेशा हिंदी सिनेमा में रहा है, दोस्तों वह अभिनय भी काफी शानदार करते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, कहने वाले कह सकते हैं कि राज और डीके ने
अभिनेता शाहिद कपूर की कबीर सिंह के बाद दोस्तों बनी रौनक को वेब सीरीज फर्जी में बुनाने की पूरी कोशिश की है। तो राज और डीके ने करीब 9 साल पहले इस फिल्म की ऑफर की थी। दोस्तों शाहिद कपूर के पास पहले ऑफर आया था तो दोस्तों फिल्म की कहानी राज और डीके ने सुनाई थी, लेकिन दोस्तों उस वक्त बात बनते बनते बिगड़ गई। लेकिन दोस्तों उस वक्त वो फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन दोस्तों करीब 9 साल बाद इस फिल्म को फिर से बनाया गया। राज और डीके ने इस फिल्म को दोस्तों एक वेब सीरीज में बनाया और तकरीबन दोस्तों 8 एपिसोड का इस फिल्म को बना डाला है और दोस्तों इस वेब सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो में रिलीज किया गया है। लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है, लेकिन दोस्तों ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से दोस्तों शाहिद कपूर की छवि को इसमें थोड़ा सा खराब किया गया है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। इसी के साथ दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फर्जी की कहानी का डीएनए कुछ कुछ दोस्तों फैमिली मैन जैसा ही है दोस्तों, लेकिन वहां पे आपको बता दें श्रीकांत तिवारी हीरो है। यहां दोस्तों माइकल सेकंड लीड में नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म के अंदर शाहिद कपूर ने अभिनय किया हीरो के रूप में। दोस्तों शाहिद कपूर फिल्म में क्रांति लाना चाहते हैं और उनका नाना भी क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों के रास्ते फिल्म में अलग हो जाता है। वहीं पे दोस्तों राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी से उनके अपने दोस्तों बनाए देश प्रेमियों के यूनिवर्स का विस्तार होता दिखाया गया है। तो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले आदमी के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा कर्ज आ जाता है। उस कर्ज को ना चुका पाने की वजह से उसका नाती नकली नोट बनाने का कारोबार शुरू करता है और किस तरह से उसने नकली नोट को बनाया है और कितनी सफाई से काम किया है, यही सब चीज इस फिल्म में आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे राज और डीके द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों जिन्होंने सीता मिलन और उनके अलावा सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह लेखन भी किया था, इसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और उनके अलावा के मिलन और राशि खन्ना और उनके अलावा भुवन अरोरा अभिनय करते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये एक निराशा कलाकार की कहानी को फिल्म में बताया गया है जो नकली पैसा बनाने का फैसला कर लेता है अपनी जिंदगी से परेशान होकर। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फिल्म की कहानी 9 साल पहले शाहिद कपूर के सामने पेश किया गया था। शुरुआत में दोस्तों 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। वही दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी, लेकिन दोस्तों फिल्मांकन अलीबाग, गोवा और नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ। वही दोस्तों सचिन जिगर और उनके अलावा तनिष्क बागची ने गीतों की रचना की इस वेब सीरीज के लिए, जबकि दोस्तों केतन सोरा ने स्कोर प्रदान किया। और दोस्तों ये श्रृंखला राज और डीके की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ थोड़ा सा मेलजोल करता है। इसी के साथ दोस्तों इस श्रृंखला का 8 एपिसोड है। यहाँ दोस्तों 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी और इसके बाद दोस्तों फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और ये सबसे ज्यादा दोस्तों देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी। और इसके बाद फरवरी 2023 के अंत तक दोस्तों शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि शो दूसरे सीजन के लिए वापस भी आएगा। इसी के साथ दोस्तों फर्जी के बारे में हम बात कर ले तो फर्जी यानी कि सनी के बारे में कहानी है जो दोस्तों एक कलाकार है फिल्म में जो अपने दादा की क्रांतिकारी प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आए दोस्तों असमानता से निराश हो गया है और वह नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सह निर्माता राज निधि मुरू के अनुसार दोस्तों फर्जी शीर्षक जिसका अर्थ ये होता है कि नकली दोस्तों जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित करता है इस फिल्म की कहानी, जिसे दोस्तों 2023 में सबसे ज्यादा इस शो को देखा गया है और पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिल्म की कहानी कैसी है और दोस्तों इस फिल्म की कहानी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों फर्जी के बारे में सबसे पहले कल्पना किया गया था 2014 में राज और डीके द्वारा शाहिद कपूर और इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक फिल्म के रूप में पहले की गई थी। साल के अंत तक दोस्तों कृति सेनन कलाकारों में शामिल भी हो गई थी अभिनय करने के लिए, लेकिन दोस्तों 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया जिसमें दोस्तों शाहिद कपूर अभी भी जुड़े हुए थे। जनवरी 2021 में शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई है। सितंबर 2021 में भुवन अरोरा ने कहा था कि वह श्रृंखला पर काम कर रहे थे जब वह चेन्नई में थे, द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे, तब
तो दोस्तों राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन शुरू होने के 40 दिन बाद वह प्रोडक्शन में शामिल हो गए थे और इसके बाद दोस्तों सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी सहकलाकार राशि खन्ना को दिया, जिनके साथ उन्होंने पहले तमिल फिल्म में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई। फिल्मांकन गोवा, अलीबाग, नेपाल और जॉर्डन में इस फिल्म को फिल्माया गया है। इस सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा दोस्तों 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजनाओं की लॉन्च प्रदर्शन के दौरान दोस्तों श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई थी। वहीं दोस्तों शाहिद कपूर, सेतुपति और राशि खन्ना और के मिलन, उनके अलावा दोस्तों रेजीना, केन सेंडर, जाकिर हुसैन, ये सब इस फिल्म में नजर आए हुए हैं लीड रोल में। लेखक के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, लेखिका सीता मिलन ने कहा था कि राज और डीके के शो द फैमिली मैन के साथ दोस्तों क्रॉस ओवर का संकेत देने वाला एक दृश्य पूर्व नियोजित नहीं था और यह विचार राज को शूटिंग के दिन ही दोस्तों आया था। और जहां भी डीके ने बाद में दोस्तों क्रॉस ओवर की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों श्रृंखला में दुनिया दोस्तों एक दूसरे के समांतर चलती नजर आ रही थी कहानी के अंदर। दोस्तों इस फिल्म की हीरो शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की विशेषता वाले फर्जी के दो फर्स्ट लुक पोस्टर सबसे पहले 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे, जहां पर दोस्तों एक हफ्ता बाद 13 जनवरी को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया। और इसके बाद दोस्तों फिल्म के शो को बढ़ावा देने के लिए प्राइम वीडियो ने सेवा से दोस्तों ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 2000 के नकली नोट भेजने के लिए स्विक के साथ दोस्तों सहयोग किया था। और दोस्तों ये सीरीज 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। और दोस्तों उस महीने के अंत में कपूर ने पुष्टि किया था कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस जरूर आएगी। तभी दोस्तों मार्च 2023 में बता दें जोरावर सिंह उनकला दोस्तों कलसी नाम के एक यूट्यूबर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह को श्रृंखला के एक दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए गुड़गांव में दोस्तों गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने एक तेज रफ्तार कार से नकली नोट फेंके थे। इसी तरह दोस्तों फिल्म के आलोचकों ने अभिनेता शाहिद कपूर और दोस्तों उनके अलावा विजय सेतुपति और दोस्तों कई सारे अभिनेता फिल्म में नजर आए थे, एक साथ सभी ने फोटो खिंचवाया था। दोस्तों वहां पे अभिनय की प्रशंसा की गई थी। इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने लिखा है कि एक मनोरंजन कहानी के लिए धन्यवाद। इसमें दोस्तों समान रूप से गति वाली श्रृंखला देखने को मिली, जहाँ पे व्यक्तिगत अध्यायों और दोस्तों उसके सभी 8 एपिसोड में अपनी गति बनाए रखते हैं। और अभिनेता शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और के मेनन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, जिसकी वजह से दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि अतुलनीय विजय सेतुपति फिल्म में दिखते हैं। इस फिल्म में विजय सेतुपति का किरदार काफी अच्छा उनको लगा था, जीवंत लगा, जो शो को जीवंत करते हैं, जो अपने स्टार शाहिद कपूर की सेवा में लगे हुए हैं। इसके कथानक के बारे में हम बात कर लेते दोस्तों, द हिंदू के अनुज कुमार जी ने भी इसकी तुलना द फैमिली मैन से ही की। यहाँ पे दोस्तों प्रतिकूल ये निकाला गया और प्रतिकूल रूप से दोस्तों इसका रिव्यू करते हुए लिखा गया है कि द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी निर्धारित की गई थी वह यहाँ पर बार बार दोस्तों दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें हैं। और इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त किया था कि कैसे लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों बिताए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को ढीला छोड़ दिया गया है, लेकिन शाहिद कपूर और सेतुपति के प्रदर्शन को शानदार ढंग से बनाया गया है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को Rediff.com की तरफ से रिव्यू किया गया। उनके तरफ से दोस्तों दीपा गहलोत ने विजय सेतुपति और के मेनन के प्रदर्शन की सराहना की और दोस्तों उन्हें कुछ एपिसोड इसके अलावा दोस्तों एंड ऑफ लाइन पंपिंग वाले लगे, लेकिन दोस्तों अन्य एपिसोड उबासी प्रेरक लगे हैं। इसके बाद दोस्तों दीप प्रिंट की निधिमा तनेजा ने इसे रोचक अपराध थ्रिलर कहा और उन्होंने कहा कि भुवन अरोरा को श्रृंखला का ब्रेकआउट प्रदर्शन पाया गया फिल्म में, जो इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने लिखा है कि फर्जी एक दिलचस्प घड़ी को लेकर आया है, लेकिन दोस्तों बहुत अधिक विवरण के साथ ये कुछ हिस्सों में थकाऊ भी लगता है। उन्होंने कहा कि शाहिद कपूर ने इस बार दोस्तों इसे बाहर निकाल दिया है, जो दोस्तों विजय सेतुपति को उल्लेखनीय और मिलन को शीर्ष श्रेणी कहा गया। इसी के साथ दोस्तों स्क्रॉल इनकी नंदिनी रामनाथ ने कहा कि शो की खूबियों में दोस्तों अच्छी तरह से चुने गए कलाकार नजर आए, यहाँ पे दोस्तों मजबूत व्यक्तिगत क्षण और इसके अलावा मीम्स के रूप में दोस्तों बने रहने वाले संवाद भी देखने को मिले और शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों वह विशेष रूप से पंकज कुमार की सिनेमेटोग्राफी से प्रभावित थी
जिसके बारे में दोस्तों उन्होंने कहा था कि इसमें गति पैदा करने के लिए दोस्तों लगातार कई टेक्स्ट शामिल किए गए हैं जो एक दोस्तों शानदार काम है। और तभी दोस्तों प्रफुल्लित किया गया और प्रफुल्लित करने वाले मुंबई के दोस्तों यानी कि भीषण ट्रैफिक जाम में पीछा करने का दृश्य भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगर क्या होता जब कोई कलाकार दोस्तों कानून की सीमाओं को पार करता है, ये भी एक सवाल है। क्या होता है जब दोस्तों वह एक साधारण मुद्रा नोट को कला के एक चुनौतीपूर्ण काम के रूप में देखना शुरू कर देता है। फिल्म के लेखक और निर्देशक जोड़ी राज और डीके के हमारे समय की दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं से जूझते हुए करिश्माई चरित्र बनाने की अद्भुत क्षमता को दिखाया गया है। उनका कैनवास जीवन से भी बड़ा होता जाता है, लेकिन दोस्तों वह भावनाओं और विचारों की यहाँ पे जड़दोजी को तीखे हास्य से दोस्तों यहाँ पे पिरोए धागे से समझते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म के अंदर उस सुक्त यानी कि मास्टर इसी के साथ दोस्तों कारीगरों के विवरण के साथ बातचीत करते हैं जो दोस्तों फर्जी के साथ हुआ एक यहाँ पे एवरी मैन यानी कि सीक्रेट एजेंट के साथ ब्रह्मा का विस्तार भी किया है जिसे दोस्तों उन्होंने द फैमिली मैन के साथ बनाया था। वहीं पे भावनाएं फिल्म के अंदर स्वादिष्ट रखा गया है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज का 8 एपिसोड के बाद जो बहुत सारे दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण आते हैं और दोस्तों हंसने के लिए बहुत कुछ प्रदान किया गया है। श्रृंखला एक डमी बेचे जाने की भावनाओं के साथ दोस्तों छोड़ दिया जाता है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इन वर्षों में अभिनेता शाहिद कपूर उन भूमिकाओं में उत्कृष्ट नजर आए हैं जहाँ पे चरित्र के आत्मसम्मान पर दोस्तों हमला होता है। यहाँ दोस्तों एंटी हीरो सनी के रूप में वह उल्लेखनीय रूप से उस भूमिका में एक अजीब मुस्कान के साथ विचारशील जो है तीव्रता का मिश्रण करते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन की झलक को दिखाया गया है। बचपन में अपने पिता द्वारा त्याग दिया गया और तभी से सनी अपने धर्मी नाना यानी कि अमोल पालेकर की छात्र छाया में बड़ा हुआ जो क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और उसके बाद दोस्तों कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। सनी फिल्म के अंदर क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और वह कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। हालांकि युवा कलाकार अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और मूल काम की तुलना में उनकी और दोस्तों नकली के लिए अधिक भुगतान भी करते हैं। जैसे ही दोस्तों उसने देखा कि पेड़ शरण और दोस्तों बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण धीरे धीरे यहाँ पे मुरझाता है तो दोस्तों क्रांति सनी के लिए एक सेवानिवृत्त विचार बन जाती है। लेकिन दोस्तों नानू और उसके दोस्तों दहते विचारों को बचाने के लिए कलाकार आगे बढ़ते हैं और अपनी कला को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेच देते हैं। जैसे जैसे उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उस पर हावी होते नजर आती है सनी एक ब्लैक होल में फंस जाता है क्योंकि हमें ये पता चलता है कि एक आदमी अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ता है और कैसे वो फिल्म में भस्म हो जाता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी नैतिक दुविधाओं से भरी हुई है जिनसे दोस्तों निपटना आसान नहीं है। जहाँ पे भावनात्मक ट्रैक दिखाया गया है सनी को दोस्तों डर है कि उसका नानू जिसकी याददाश्त दिन पर दिन जो है खराब होती जा रही है उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों उसने उसके विश्वास का उल्लंघन किया एक सहजता दोस्तों भावना पैदा करते हैं। तब दोस्तों सनी अपने नानू को पीछे से गले लगाने वाला सिंस आंखों में नम कर देता है और ये दोस्तों पालेकर की प्राचीन उपस्थिति है जो अपने जो है प्रोजेक्ट को सावधानी से चुनते हैं जो हमें दोस्तों वैचारिक जो है इसके अलावा इस लग ऑफ फेस की अखंडता में विश्वास दिलाता है। और तभी दोस्तों जब लेखक ट्रैक से भटक जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें को संभाला गया है। दोस्तों एक और यहाँ पे किरदार है माइकल का, विजय सेतुपति है इस किरदार में जो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने वाला एक अनसंभावित जो है कुशल अधिकारी है जो देश को नकली मुद्रा के संकट से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी ओर मंसूर यानी कि के मेनन दृश्यों को बचाते हैं। दोस्तों वो अपने जो है ट्रेडमार्क यानी कि उत्कृष्ट के साथ एक सरीसृप आकृति जो है सनी की कल्पना और उसके उद्देश्य के लिए महत्वाकांक्षा को पंख देती है। विजय सेतुपति एक ही समय में उपयुक्त रूप से समझदार और आकर्षक है। जिस तरह से दोस्तों वह हिंदी में अपने संवाद बोलते हैं उसमें एक खास तरह का प्यार दिखता है। लेकिन दोस्तों अब शब्द भी आपको दिखता है और प्यारे लहजे उनके लगते हैं और ये उनके शारीरिक और मुखर स्वर की शैली के बीच एक दिलचस्प अंतर पैदा करता है। और इसी के साथ दोस्तों मोहनलाल की याद दिलाता है जिन्होंने दोस्तों कंपनी में एक प्रतिबंध कानून लागू करने वाले की भूमिका निभाई थी
और दोस्तों उनकी पारिवारिक कहानी श्रीकांत तिवारी की तुलना में आधी भी दिलचस्प नहीं है, लेकिन विजय सेतुपति ये सुनिश्चित करते हैं कि ये तब तक दोस्तों स्वादिष्ट बनी रहे जब तक दोस्तों माइकल अगले सीजन में तिवारी के साथ नोट्स साझा नहीं कर लेते। इसी के साथ दोस्तों शादी के साथ ये दूसरा तरीका है, वह एक मनमोहक दुष्ट के रूप में सामने आते हैं जिसकी दोस्तों परिस्थितियाँ उसे एक दलदल में धकेल देता है। और ये अफसोस की बात है कि हमें पहले सीजन में दोनों के बीच आमना सामना देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दूसरे सीजन के लिए पोर्ट को चालू रखने की साजिश रची हुई है। भले ही दोस्तों इसका मतलब कहानी कहने से दोस्तों समझौता करना और रुचि की स्थिर करना होगा। कहानी के बीच में एक प्रमुख है, लेकिन दोस्तों अच्छी तरह से लिखा गया है ट्रैक, जहाँ पे दोस्तों सनी नकली मुद्रा पर एक विशेषज्ञ मेघा राशि खन्ना के माध्यम से क्रेग टीम में घुसपैठ करता है, जो दिखावे के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब दिल की बात आती है तो वह लड़खड़ा जाती है। और ये दोस्तों भाग इस तरह से लिखा गया है कि किसी को दोस्तों कुछ समय के लिए अविश्वास को यहाँ पे स्थगित करने को कोई भी अनुकूल आपत्ति नहीं है। इसके वजह से दोस्तों राशि एक ऐसी लड़की के रूप में भी प्रभावित है, प्रभावशाली है, जो शनि के जादू से अपने लक्ष्य से ज्यादा दोस्तों विचलित नहीं होती है। आगे दोस्तों हमेशा की तरह एक्शन, राज और डीके की यूनिवर्स इनके करंट अफेयर्स, और इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड स्कोर से जुड़ा हुआ है। मंत्री के बारे में हम बात कर ले तो मंत्री यानी कि गहलोत, जाकिर हुसैन का हर चीज को दोस्तों चुनावी राजनीति से जोड़ने का आग्रह फिल्म के अंदर संदारे, और जिस तरह से माइकल उन्हें हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मंत्री के पैर खींचने पर अखबार में एक बड़ी तस्वीर का विचार देते हैं, वो भी देखने में काफी ज्यादा कॉमेडी सीन लगता है। हालांकि सभी चित्र निर्माण और सक्षम प्रदर्शनों के लिए एक द फैमिली मैन का सरल जो है प्रशिक्षण है, यहाँ पे गहन अनुभव यहाँ पे गायब हो गया, क्योंकि निर्माता ये रेखांकित करने के लिए उत्सुकता को दिखाते हैं। फर्जी एक जादूगर के काम की दोस्तों तरह लगता है, जो बाजार की मांग पर अपनी चाल दोहराता हुआ नजर आता है। इसके बाद दोस्तों द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियाँ निर्धारित की गई थी वो भी देखने लायक है। वह यहाँ पर दोस्तों बार बार दोहराई जाती है, और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें हैं। फिल्म की पटकथा उस आकर्षक दोस्तों कोड की तरह लगता है, जिसकी दोस्तों लाइनिंग ठीक से नहीं दिखाई गई है, और 8 एपिसोड के उतार चढ़ाव के दौरान रास्ता छोड़ दिया जाता है। ऐसे हिस्से फिल्म में है जब दोस्तों ऐसा लगता है कि नकली मुद्रा पर लेखकों के शोध नोट्स स्क्रिप्ट में दोस्तों फिसल जाती है, और हम नकली बिलों को स्क्रीन पर कैसे प्रदर्शित किया गया ये भी देखने को मिला। उस पर दोस्तों एक निर्देश यहाँ पे पुस्तिका देख सकते हैं, जहाँ पे मजे की बात यह है कि लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों खर्च किए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया गया है, जो ज्यादा देखने में मजा नहीं आता है। तो दोस्तों अगर फर्जी की पूरी कहानी को समझना चाहते हो तो आपको ये सीरीज तो एक बार देखना होगा। अगर दोस्तों फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो जब कोई शो या फिल्म कलाकारों के एक समूह के साथ बनाई जाती है तो सभी पात्रों के बीच संतुलन बनाना कठिन तो होता है, लेकिन दोस्तों राज और डीके के इस पहलू में बेहद यानी कि सफल रहे हैं, और शो में आने वाले हर किरदार को अहमियत मिली हुई है, चाहे वह के मिलन के गिरोह का गुंडा हो या फिर अपने जो है प्रेमी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उससे दोस्तों अलग होना चाहती हूँ। हर किरदार का अपना उद्देश्य इस फिल्म में काफी शानदार है। विजय सेतुपति प्रतिभा के सागर है, और दोस्तों वह अभिनेता एक बार फिर शो में शानदार प्रदर्शन करते हैं, जिसके वजह से टास्क फोर्स अधिकारी के रूप में वह बहुत प्रखर है, और अगर कोई अन्य कलाकार इसे निभाता तो इसका प्रभाव इससे बेहतर नहीं हो सकता था। और दोस्तों उनकी कॉमेडी टाइमिंग निश्चित रूप से आपको गुदगुदाने वाली देखने को मिलेगी, जो केंद्रीय मंत्री के साथ विजय सेतुपति के दृश्य बड़ा फिल्म के अंदर दोस्तों मनोरंजन तरीके से उनके साथ फिल्माया गया है। इसी के साथ दोस्तों आगे आपको बता दें, सनी के रूप में शाहिद कपूर ने पार्क से बाहर दस्तक दी, जहाँ शाहिद कपूर फर्जी की आत्मा है, जिसके चारों ओर दोस्तों पूरी कहानी घूमती है, चाहे वह कॉमेडी हो या फिर इमोशंस हो या फिर एक्शन हो या फिर रोमांस। अभिनेता ने इसमें दोस्तों अपना सब कुछ झोंक दिया है, और शो में शाहिद बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उन्हें अपने अभिनय के लिए दोस्तों निश्चित रूप से जबरदस्त यानी कि तालियां मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों निर्माता ने शाहिद के चरित्र के माध्यम से कुछ सामाजिक जो है तत्वों को भी छुआ है, जो भुवन अरोड़ा का विशेष उल्लेख आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ अभिनेत्री राशि खन्ना के बारे में हम बात करें तो राशि खन्ना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वह
इसमें आश्चर्य चकित भी करती है सभी को और उन्हें अभिनय के लिए अधिक अधिक जो है अवसर मिला और अभिनेत्री भूमिका में उपयुक्त थी और के मिलन खलनायक रूप में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सभी का सेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फर्जी वेब सीरीज का अधिकार दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो को दिया गया है। इसके 8 एपिसोड को 2023 में 10 फरवरी को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो अमेज़न प्राइम वीडियो में सीरीज को आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्जी फिल्म के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें फिल्म कबीर सिंह से बड़े पर्दे पर अभिनेता शाहिद कपूर ने अपना करिश्मा वापस पा लिया था, लेकिन दोस्तों फिर 3 साल बाद फिल्म फर्जी में इसे वापस भी गवा दिया। अब दोस्तों ऐसे क्या चीज है फिल्म की कहानी में जिसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें उनका रुआब हमेशा हिंदी सिनेमा में रहा है। दोस्तों वो अभिनय भी काफी शानदार करते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कहने वाले कह सकते हैं कि राज और DK ने अभिनेता शाहिद कपूर की कबीर सिंह के बाद दोस्तों बनी रौनक को वेब सीरीज फर्जी में बुनाने की पूरी कोशिश की है। तो राज और DK ने करीब 9 साल पहले इस फिल्म की ऑफर की थी। दोस्तों शाहिद कपूर के पास पहले ऑफर आया था तो दोस्तों फिल्म की कहानी राज और DK ने सुनाई थी, लेकिन दोस्तों उस वक्त बात बनते बनते बिगड़ गयी, लेकिन दोस्तों उस वक्त वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन दोस्तों करीब 9 साल बाद इस फिल्म को फिर से बनाया गया। राज और DK ने इस फिल्म को दोस्तों एक वेब सीरीज में बनाया और तकरीबन दोस्तों 8 एपिसोड का इस फिल्म को बना डाला है और दोस्तों इस वेब सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो में रिलीज किया गया है। लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है, लेकिन दोस्तों ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से दोस्तों शाहिद कपूर की छवि को इसमें थोड़ा सा खराब किया गया है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। इसी के साथ दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फर्जी की कहानी का DNA कुछ दोस्तों फैमिली मैन जैसा ही है दोस्तों, लेकिन वहां पे आपको बता दें श्रीकांत तिवारी हीरो है। यहां दोस्तों माइकल सेकंड लीड में नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म के अंदर शाहिद कपूर ने अभिनय किया हीरो के रूप में। दोस्तों शाहिद कपूर फिल्म में क्रांति लाना चाहते हैं और उनका नाना भी क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों के रास्ते फिल्म में अलग हो जाता है। वहीं पे दोस्तों राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी से उनके अपने दोस्तों बनाए देश प्रेमियों के यूनिवर्स का विस्तार होता दिखाया गया है। तो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले आदमी के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा कर्ज आ जाता है। उस कर्ज को ना चुका पाने की वजह से उसका नाती नकली नोट बनाने का कारोबार शुरू करता है और किस तरह से उसने नकली नोट को बनाया है और कितनी सफाई से काम किया है, यही सब चीज इस फिल्म में आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे राज और DK द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों जिन्होंने सीता मिलन और उनके अलावा सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सहलेखन भी किया था, इसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और उनके अलावा KK मिलन और राशि खन्ना और उनके अलावा भुवन अरोरा अभिनय करते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये एक निराशा कलाकार की कहानी को फिल्म में बताया गया है जो नकली पैसा बनाने का फैसला कर लेता है अपनी जिंदगी से परेशान होकर। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फिल्म की कहानी 9 साल पहले शाहिद कपूर के सामने पेश किया गया था। शुरुआत में दोस्तों 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। वही दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी, लेकिन दोस्तों फिल्मांकन अलीबाग, गोवा और नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ। वही दोस्तों सचिन जिगर और उनके अलावा तनिष बागची ने गीतों की रचना की इस वेब सीरीज के लिए, जबकि दोस्तों कीर्तन सोरा ने स्कोर प्रदान किया। और दोस्तों ये श्रृंखला राज और DK की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ थोड़ा सा मेलजोल करता है। इसी के साथ दोस्तों इस श्रृंखला का 8 एपिसोड है। यहाँ दोस्तों 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी और इसके बाद दोस्तों फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और ये सबसे ज्यादा दोस्तों देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी। और इसके बाद फरवरी 2023 के अंत तक दोस्तों शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि शो दूसरे सीजन के लिए वापस भी आएगा। इसी के साथ दोस्तों फर्जी के बारे में हम बात कर ले तो फर्जी यानी कि सनी के बारे में कहानी है जो दोस्तों एक कलाकार है फिल्म में जो अपने दादा की क्रांतिकारी प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आए दोस्तों असमानता से निराश हो गया है।
और वह नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सह निर्माता राज निधि मुरु के अनुसार दोस्तों फर्जी शीर्षक, जिसका अर्थ यह होता है कि नकली, दोस्तों जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित करता है। इस फिल्म की कहानी, जिसे दोस्तों 2023 में सबसे ज्यादा इस शो को देखा गया है और पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिल्म की कहानी कैसी है और दोस्तों इस फिल्म की कहानी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों फर्जी के बारे में सबसे पहले कल्पना किया गया था 2014 में राज और डीके द्वारा शाहिद कपूर और इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक फिल्म के रूप में पहले की गई थी। साल के अंत तक दोस्तों कृति सेनन कलाकारों में शामिल भी हो गई थी अभिनय करने के लिए, लेकिन दोस्तों 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया। इसमें दोस्तों शाहिद कपूर अभी भी जुड़े हुए थे। जनवरी 2021 में शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई है। सितंबर 2021 में भुवन अरोरा ने कहा था कि वह श्रृंखला पर काम कर रहे थे जब वह चेन्नई में थे, द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे तब। तो दोस्तों राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन शुरू होने के 40 दिन बाद वह प्रोडक्शन में शामिल हो गए थे और इसके बाद दोस्तों सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी सहकलाकार राशि खन्ना को दिया, जिनके साथ उन्होंने पहले तमिल फिल्म में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई। फिल्मांकन गोवा, अलीबाग, नेपाल और जॉर्डन में इस फिल्म को फिल्माया गया है। इस सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा दोस्तों 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजनाओं की लॉन्च प्रदर्शन के दौरान दोस्तों श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई थी। वहीं दोस्तों शाहिद कपूर, सेतुपति और राशि खन्ना और के मिलन, उनके अलावा दोस्तों रेजीना कैंसेंडर, जाकिर हुसैन, ये सब इस फिल्म में नजर आए हुए हैं लीड रोल में। लेखक के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों लेखिका सीता मिलन ने कहा था कि राज और डीके के शो द फैमिली मैन के साथ दोस्तों क्रॉस ओवर का संकेत देने वाला एक दृश्य पूर्व नियोजित नहीं था और यह विचार राज को शूटिंग के दिन ही दोस्तों आया था। और जहां भी डीके ने बाद में दोस्तों क्रॉस ओवर की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों श्रृंखला में दुनिया दोस्तों एक दूसरे के समांतर चलती नजर आ रही थी कहानी के अंदर। दोस्तों इस फिल्म की हीरो शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की विशेषता वाले फर्जी के दो फर्स्ट लुक पोस्टर सबसे पहले 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे, जहां पर दोस्तों एक हफ्ता बाद 13 जनवरी को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया। और इसके बाद दोस्तों फिल्म के शो को बढ़ावा देने के लिए प्राइम वीडियो ने सेवा से दोस्तों ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 2000 के नकली नोट भेजने के लिए स्विग के साथ दोस्तों सहयोग किया था। और दोस्तों ये सीरीज 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और दोस्तों उस महीने के अंत में कपूर ने पुष्टि किया था कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस जरूर आएगी। तभी दोस्तों मार्च 2023 में बता दें जोरावर सिंह उनकला दोस्तों कलसी नाम के एक यूट्यूबर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह को श्रृंखला के एक दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए गुड़गांव में दोस्तों गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने एक तेज रफ्तार कार से नकली नोट फेंके थे। इसी तरह दोस्तों फिल्म के आलोचकों ने अभिनेता शाहिद कपूर और दोस्तों उनके अलावा विजय सेतुपति और दोस्तों कई सारे अभिनेता फिल्म में नजर आए थे, एक साथ सभी ने फोटो खिंचवाया था। दोस्तों वहां पे अभिनय की प्रशंसा की गई थी। इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने लिखा है कि एक मनोरंजन कहानी के लिए धन्यवाद। इसमें दोस्तों समान रूप से गति वाली श्रृंखला देखने को मिली, जहाँ पे व्यक्तिगत अध्यायों और दोस्तों उसके सभी 8 एपिसोड में अपनी गति बनाए रखते हैं। और अभिनेता शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और के मैन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, जिसकी वजह से दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि अतुलनीय विजय सेतुपति फिल्म में दिखते हैं। इस फिल्म में विजय सेतुपति का किरदार काफी अच्छा उनको लगा था, जीवंत लगा, जो शो को जीवंत करते हैं, जो अपने स्टार शाहिद कपूर की सेवा में लगे हुए हैं। इसके कथानक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों द हिंदू के अनुज कुमार जी ने भी इसकी तुलना द फैमिली मैन से ही की। यहाँ पे दोस्तों प्रतिकूल ये निकाला गया और प्रतिकूल रूप से दोस्तों इसका रिव्यू करते हुए लिखा गया है कि द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी
निर्धारित की गई थी वह यहाँ पर बार बार दोस्तों दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें हैं। और इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त किया था कि कैसे लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों बिताए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को ढीला छोड़ दिया गया है। लेकिन शाहिद कपूर और सेतुपति के प्रदर्शन को शानदार ढंग से बनाया गया है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को Rediff.com की तरफ से रिव्यू किया गया। उनके तरफ से दोस्तों दीपा गहलोत ने विजय सेतुपति और केके मेनन के प्रदर्शन की सराहना की और दोस्तों उन्हें कुछ एपिसोड इसके अलावा दोस्तों एंड्रो लाइन पंपिंग वाले लगे, लेकिन दोस्तों अन्य एपिसोड उबासी प्रेरक लगे हैं। इसके बाद दोस्तों दीप प्रिंट की निधिमा तलेजा ने इसे रोचक अपराध थ्रिलर कहा और उन्होंने कहा कि भुवन अरोरा को श्रृंखला का ब्रेकआउट प्रदर्शन पाया गया फिल्म में, जो इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने लिखा है कि फर्जी एक दिलचस्प घड़ी को लेकर आया है, लेकिन दोस्तों बहुत अधिक विवरण के साथ ये कुछ हिस्सों में थकाऊ भी लगता है। उन्होंने कहा कि शाहिद कपूर ने इस बार दोस्तों इसे बाहर निकाल दिया है, जो दोस्तों विजय सेतुपति को उल्लेखनीय और मिलन को शीर्ष श्रेणी कहा गया। इसी के साथ दोस्तों स्क्रोल इनकी नंदिनी रामनाथ ने कहा कि शो की खूबियों में दोस्तों अच्छी तरह से चुने गए कलाकार नजर आए, यहाँ पे दोस्तों मजबूत व्यक्तिगत क्षण और इसके अलावा मीम्स के रूप में दोस्तों बने रहने वाले संवाद भी देखने को मिले और शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों वह विशेष रूप से पंकज कुमार की सिनेमेटोग्राफी से प्रभावित थी, जिसके बारे में दोस्तों उन्होंने कहा था कि इसमें गति पैदा करने के लिए दोस्तों लगातार कई टेक्स्ट शामिल किए गए हैं, जो एक दोस्तों शानदार काम है। और तभी दोस्तों प्रफुल्लित किया गया और प्रफुल्लित करने वाले मुंबई के दोस्तों यानी कि भीषण ट्रैफिक के जाम में पीछा करने का दृश्य भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगर क्या होता जब कोई कलाकार दोस्तों कानून की सीमाओं को पार करता है, ये भी एक सवाल है। क्या होता है जब दोस्तों वह एक साधारण मुद्रा नोट को कला के एक चुनौतीपूर्ण काम के रूप में देखना शुरू कर देता है। फिल्म के लेखक और निर्देशक जोड़ी राज और डीके के हमारे समय की दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं से जूझते हुए करिश्माई चरित्र बनाने की अद्भुत क्षमता को दिखाया गया है। उनका कैनवास जीवन से भी बड़ा होता जाता है, लेकिन दोस्तों वह भावनाओं और विचारों की यहाँ पे जड़दोजी को तीखे हास्य से दोस्तों यहाँ पे पिरोए धागे से समझते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म के अंदर उत्सुक यानी कि मास्टर इसी के साथ दोस्तों कारीगरों के विवरण के साथ बातचीत करते हैं, जो दोस्तों फर्जी के साथ हुआ एक यहाँ पे एवरी मैन यानी कि सीक्रेट एजेंट के साथ ब्रह्मा का विस्तार भी किया है, जिसे दोस्तों उन्होंने द फैमिली मैन के साथ बनाया था। वहीं पे भावनाएं फिल्म के अंदर स्वादिष्ट रखा गया है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज का 8 एपिसोड के बाद जो बहुत सारे दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण आते हैं और दोस्तों हंसने के लिए बहुत कुछ प्रदान किया गया है। श्रृंखला एक डमी बेचे जाने की भावनाओं के साथ दोस्तों छोड़ दिया जाता है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इन वर्षों में अभिनेता शाहिद कपूर उन भूमिकाओं में उत्कृष्ट नजर आए हैं जहाँ पे चरित्र के आत्मसम्मान पर दोस्तों हमला होता है। यहाँ दोस्तों एंटी हीरो सनी के रूप में वह उल्लेखनीय रूप से उस भूमिका में एक अजीब मुस्कान के साथ विचारशील जो है तीव्रता का मिश्रण करते हैं, जिसमें उनके वास्तविक जीवन की झलक को दिखाया गया है। बचपन में अपने पिता द्वारा त्याग दिया गया और तभी से सनी अपने धर्मी नाना यानी कि अमोल पालेकर की छात्र छाया में बड़ा हुआ, जो क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और उसके बाद दोस्तों कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। सनी फिल्म के अंदर क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और वह कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। हालांकि युवा कलाकार अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और मूल काम की तुलना में उनकी और दोस्तों नकली के लिए अधिक भुगतान भी करते हैं। जैसे ही दोस्तों उसने देखा कि पेयर शरण और दोस्तों बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण धीरे धीरे यहाँ पे मुरझाता है, तो दोस्तों क्रांति सनी के लिए एक सेवानिवृत्त विचार बन जाती है। लेकिन दोस्तों नानू और उसके दोस्तों दहते विचारों को बचाने के लिए कलाकार आगे बढ़ते हैं और अपनी कला को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेच देते हैं। जैसे जैसे उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उस पर हावी होते नजर आती है, सनी एक ब्लैक होल में फंस जाता है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि एक आदमी अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ता है और कैसे वो फिल्म में भस्म हो जाता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी नैतिक दुविधाओं से भरी हुई है, जिसे दोस्तों निपटना आसान नहीं है। जहाँ पे भावनात्मक ट्रैक दिखाया गया है, सनी को दोस्तों डर है कि उसका नानू जिसकी याददाश्त दिन पर दिन जो है खराब होती जा रही है, उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे।
लेकिन दोस्तों उसने उसके विश्वास का उल्लंघन किया। एक सहजता दोस्तों भावना पैदा करते हैं। तब दोस्तों सनी अपने नानू को पीछे से गले लगाने वाला सिंस आंखों में नम कर देता है और ये दोस्तों पालेकर की प्राचीन उपस्थिति है जो अपने जो है प्रोजेक्ट को सावधानी से चुनते हैं, जो हमें दोस्तों वैचारिक जो है इसके अलावा इस लगाव फेस की अखंडता में विश्वास दिलाता है। और तभी दोस्तों जब लेखक ट्रैक से भटक जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें को संभाला गया है। दोस्तों एक और यहाँ पे किरदार है माइकल का, विजय सेतुपति है इस किरदार में, जो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने वाला एक अनसंभावित जो है कुशल अधिकारी है, जो देश को नकली मुद्रा के संकट से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी ओर मंसूर यानी कि के मिलन दृश्यों को बचाते हैं। दोस्तों वो अपने जो है ट्रेडमार्क यानी कि उत्कृष्ट के साथ एक जो है सरीसृप आकृति जो है शनि की कल्पना और उसके उद्देश्य के लिए महत्वाकांक्षा को पंख देती है। विजय सेतुपति एक ही समय में उपयुक्त रूप से समझदार और आकर्षक है। जिस तरह से दोस्तों वह हिंदी में अपने संवाद बोलते हैं उसमें एक खास तरह का प्यार दिखता है, लेकिन दोस्तों अब शब्द भी आपको दिखता है और प्यारे लहजे उनके लगते हैं और ये उनके शारीरिक और मुखर स्वर की शैली के बीच एक दिलचस्प अंतर पैदा करता है। और इसी के साथ दोस्तों मोहन लाल की याद दिलाता है जिन्होंने दोस्तों कंपनी में एक प्रतिबंध कानून लागू करने वाले की भूमिका निभाई थी। और दोस्तों उनकी पारिवारिक कहानी श्रीकांत तिवारी की तुलना में आधी भी दिलचस्प नहीं है, लेकिन विजय सेतुपति ये सुनिश्चित करते हैं कि ये तब तक दोस्तों स्वादिष्ट बनी रहे जब तक दोस्तों माइकल अगले सीजन में तिवारी के साथ नोट्स साझा नहीं कर लेते। इसी के साथ दोस्तों शादी के साथ ये दूसरा तरीका है, वह एक मनमोहक दुष्ट के रूप में सामने आते हैं जिसकी दोस्तों परिस्थितियाँ उसे एक दलदल में धकेल देता है। और ये अफसोस की बात है कि हमें पहले सीजन में दोनों के बीच आमना सामना देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दूसरे सीजन के लिए पोर्ट को चालू रखने की साजिश रची हुई है। भले ही दोस्तों इसका मतलब कहानी कहने से दोस्तों समझौता करना और रुचि की स्थिर करना होगा। कहानी के बीच में एक प्रमुख है, लेकिन दोस्तों अच्छी तरह से लिखा गया है ट्रैक, जहाँ पे दोस्तों सनी नकली मुद्रा पर एक विशेषज्ञ मेघा राशि खन्ना के माध्यम से क्रेग टीम में घुसपैठ करता है, जो दिखावे के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब दिल की बात आती है तो वह लड़खड़ा जाती है। और ये दोस्तों भाग इस तरह से लिखा गया है कि किसी को दोस्तों कुछ समय के लिए अविश्वास को यहाँ पे स्थगित करने को कोई भी अनुकूल आपत्ति नहीं है। इसके वजह से दोस्तों राशि एक ऐसी लड़की के रूप में भी प्रभावित है, प्रभावशाली है, जो शनि के जादू से अपने लक्ष्य से ज्यादा दोस्तों विचलित नहीं होती है। आगे दोस्तों हमेशा की तरह एक्शन राज और डीके की यूनिवर्स एंड के करंट अफेयर्स और इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड स्कोर से जुड़ा हुआ है। मंत्री के बारे में हम बात कर ले तो मंत्री यानी कि गहलोत, जाकिर हुसैन का हर चीज को दोस्तों चुनावी राजनीति से जोड़ने का आग्रह फिल्म के अंदर शानदार है। और जिस तरह से माइकल उन्हें हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मंत्री के पैर खींचने पर अखबार में एक बड़ी तस्वीर का विचार देते हैं, वो भी देखने में काफी ज्यादा कॉमेडी सीन लगता है। हालांकि सभी चित्र निर्माण और सक्षम प्रदर्शनों के लिए एक द फैमिली मैन का सरल जो है प्रशिक्षण है, यहाँ पे गहन अनुभव यहाँ पे गायब हो गया, क्योंकि निर्माता ये रेखांकित करने के लिए उस उत्सुकता को दिखाते हैं। फर्जी एक जादूगर के काम की दोस्तों तरह लगता है, जो बाजार की मांग पर अपनी चाल दोहराता हुआ नजर आता है। इसके बाद दोस्तों द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियाँ निर्धारित की गई थी वो भी देखने लायक है। वह यहाँ पर दोस्तों बार बार दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें हैं। फिल्म की पटकथा उस आकर्षक दोस्तों कोड की तरह लगता है, जिसकी दोस्तों लाइनिंग ठीक से नहीं दिखाई गई है और 8 एपिसोड के उतार चढ़ाव के दौरान रास्ता छोड़ दिया जाता है। ऐसे हिस्से फिल्म में है जब दोस्तों ऐसा लगता है कि नकली मुद्रा पर लेखकों के शोध नोट्स स्क्रिप्ट में दोस्तों फिसल जाती है और हम नकली बिलों को स्क्रीन पर कैसे प्रदर्शित किया गया है ये भी देखने को मिला। उस पर दोस्तों एक निर्देश यहाँ पे पुस्तिका देख सकते हैं, जहाँ पे मजे की बात यह है कि लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों खर्च किए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया गया है, जो ज्यादा देखने में मजा नहीं आता है। तो दोस्तों अगर फर्जी की पूरी कहानी को समझना चाहते हो तो आपको ये सीरीज तो एक बार देखना होगा। अगर दोस्तों फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो जब कोई शो या फिल्म कलाकारों के एक समूह के साथ बनाई जाती है तो सभी पात्रों के बीच संतुलन बनाना कठिन तो होता है, लेकिन दोस्तों राज और डीके के इस पहलू में
बेहद यहाँ पे बेहद यानी कि सफल रहे हैं और शो में आने वाले हर किरदार को अहमियत मिली हुई है, चाहे वह के मिलन के गिरोह का गुंडा हो या फिर अपने जो है प्रेमी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उससे दोस्तों अलग होना और अलग होना चाहती हूँ। हर किरदार का अपना उद्देश्य इस फिल्म में काफी शानदार है। विजय सेतुपति प्रतिभा के सागर है और दोस्तों वह अभिनेता एक बार फिर शो में शानदार प्रदर्शन करते हैं, जिसके वजह से टास्क फोर्स अधिकारी के रूप में वह बहुत प्रखर है और अगर कोई अन्य कलाकार इसे निभाता तो इसका प्रभाव इससे बेहतर नहीं हो सकता था। और दोस्तों उनकी कॉमेडी टाइमिंग निश्चित रूप से आपको गुदगुदाने वाली देखने को मिलेगी, जो केंद्रीय मंत्री के साथ विजय सेतुपति के दृश्य बड़ा फिल्म के अंदर दोस्तों मनोरंजन तरीके से उनके साथ फिल्माया गया है। इसी के साथ दोस्तों आगे आपको बता दें, सनी के रूप में शाहिद कपूर ने पार्क से बाहर दस्तक दी, जहाँ शाहिद कपूर फर्जी की आत्मा है जिसके चारों ओर दोस्तों पूरी कहानी घूमती है, चाहे वह कॉमेडी हो या फिर इमोशंस हो या फिर एक्शन हो या फिर रोमांस। अभिनेता ने इसमें दोस्तों अपना सब कुछ झोंक दिया है और शो में शाहिद बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उन्हें अपने अभिनय के लिए दोस्तों निश्चित रूप से जबरदस्त इनकी तालियां मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों निर्माता ने शाहिद के चरित्र के माध्यम से कुछ सामाजिक जो है तत्वों को भी छुआ है, जो भुवन अरोड़ा का विशेष उल्लेख आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ अभिनेत्री राशि खन्ना के बारे में हम बात करें तो राशि खन्ना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वह इसमें आश्चर्यचकित भी करती है सभी को, और उन्हें अभिनय के लिए अधिक जो है अवसर मिला और अभिनेत्री भूमिका में उपयुक्त थी और के मिलन खलनायक के रूप में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सभी का सेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फर्जी वेब सीरीज का अधिकार दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो को दिया गया है। इसके 8 एपिसोड को 2023 में 10 फरवरी को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो अमेज़न प्राइम वीडियो में सीरीज को आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्जी फिल्म के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, फिल्म कबीर सिंह से बड़े पर्दे पर अभिनेता शाहिद कपूर ने अपना करिश्मा वापस पा लिया था, लेकिन दोस्तों फिर 3 साल बाद फिल्म फर्जी में इसे वापस भी गवा दिया। अब दोस्तों ऐसी क्या चीज है फिल्म की कहानी में जिसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, उनका रुआब हमेशा हिंदी सिनेमा में रहा है, दोस्तों वो अभिनय भी काफी शानदार करते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, कहने वाले कह सकते हैं कि राज और DK ने अभिनेता शाहिद कपूर की कबीर सिंह के बाद दोस्तों बनी रौनक को वेब सीरीज फर्जी में बुनाने की पूरी कोशिश की है। तो राज और DK ने करीब 9 साल पहले इस फिल्म की ऑफर की थी। दोस्तों शाहिद कपूर के पास पहले ऑफर आया था तो दोस्तों फिल्म की कहानी राज और DK ने सुनाई थी, लेकिन दोस्तों उस वक्त बात बनते बनते बिगड़ गई, लेकिन दोस्तों उस वक्त वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन दोस्तों करीब 9 साल बाद इस फिल्म को फिर से बनाया गया। राज और DK ने इस फिल्म को दोस्तों एक वेब सीरीज में बनाया और तकरीबन दोस्तों 8 एपिसोड का इस फिल्म को बना डाला है और दोस्तों इस वेब सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो में रिलीज किया गया है। लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है, लेकिन दोस्तों ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से दोस्तों शाहिद कपूर की छवि को इसमें थोड़ा सा खराब किया गया है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। इसी के साथ दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फर्जी की कहानी का DNA कुछ दोस्तों फैमिली मैन जैसा ही है दोस्तों, लेकिन वहां पे आपको बता दें श्रीकांत तिवारी हीरो है। यहां दोस्तों माइकल सेकंड लीड में नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म के अंदर शाहिद कपूर ने अभिनय किया हीरो के रूप में। दोस्तों शाहिद कपूर फिल्म में क्रांति लाना चाहते हैं और उनका नाना भी क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों के रास्ते फिल्म में अलग हो जाता है। वहीं पे दोस्तों राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी से उनके अपने दोस्तों बनाए देश प्रेमियों के यूनिवर्स का विस्तार होता दिखाया गया है। तो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले आदमी के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा कर्ज आ जाता है, उस कर्ज को ना चुका पाने की वजह से उसका नाती नकली नोट बनाने का कारोबार शुरू करता है और किस तरह से उसने नकली नोट को बनाया है और कितनी सफाई से काम किया है, यही सब चीज इस फिल्म में आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है, जिसे राज और DK द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों जिन्होंने सीता मिलन और उनके अलावा सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह लेखन भी किया था, इसके बारे में भी बताया गया है।
दोस्तों इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और उनके अलावा के मिलन और राशि खन्ना और उनके अलावा भुवन अरोरा अभिनय करते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये एक निराशा कलाकार की कहानी को फिल्म में बताया गया है, जो नकली पैसा बनाने का फैसला कर लेता है अपनी जिंदगी से परेशान होकर। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फिल्म की कहानी 9 साल पहले शाहिद कपूर के सामने पेश किया गया था। शुरुआत में दोस्तों 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। वही दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी, लेकिन दोस्तों फिल्मांकन अलीबाग, गोवा और नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ। वही दोस्तों सचिन जिगर और उनके अलावा तनिष्क बागची ने गीतों की रचना की इस वेब सीरीज के लिए, जबकि दोस्तों कीर्तन सोरा ने स्कोर प्रदान किया। और दोस्तों ये श्रृंखला राज और डीके की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ थोड़ा सा मेलजोल करता है। इसी के साथ दोस्तों इस श्रृंखला का 8 एपिसोड है। यहाँ दोस्तों 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। और इसके बाद दोस्तों फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और ये सबसे ज्यादा दोस्तों देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी। और इसके बाद फरवरी 2023 के अंत तक दोस्तों शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि शो दूसरे सीजन के लिए वापस भी आएगा। इसी के साथ दोस्तों फर्जी के बारे में हम बात कर ले तो फर्जी यानी कि सनी के बारे में कहानी है, जो दोस्तों एक कलाकार है फिल्म में, जो अपने दादा की क्रांतिकारी प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आए दोस्तों असमानता से निराश हो गया है और वह नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सह निर्माता राज निधि मोरू के अनुसार दोस्तों फर्जी शीर्षक, जिसका अर्थ ये होता है कि नकली, दोस्तों जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित करता है इस फिल्म की कहानी, जिसे दोस्तों 2023 में सबसे ज्यादा इस शो को देखा गया है और पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिल्म की कहानी कैसी है और दोस्तों इस फिल्म की कहानी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों फर्जी के बारे में सबसे पहले कल्पना किया गया था 2014 में राज और डीके द्वारा शाहिद कपूर और इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक फिल्म के रूप में पहले की गई थी। साल के अंत तक दोस्तों कृति सेनन कलाकारों में शामिल भी हो गई थी अभिनय करने के लिए, लेकिन दोस्तों 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया। इसमें दोस्तों शाहिद कपूर अभी भी जुड़े हुए थे। जनवरी 2021 में शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई है। सितंबर 2021 में भुवन अरोरा ने कहा था कि वह श्रृंखला पर काम कर रहे थे जब वह चेन्नई में थे, द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे तब। तो दोस्तों राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन शुरू होने के 40 दिन बाद वह प्रोडक्शन में शामिल हो गए थे। और इसके बाद दोस्तों सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी सहकलाकार राशि खन्ना को दिया, जिनके साथ उन्होंने पहले तमिल फिल्म में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई। फिल्मांकन गोवा, अलीबाग, नेपाल और जॉर्डन में इस फिल्म को फिल्माया गया है। इस सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा दोस्तों 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजनाओं की लॉन्च प्रदर्शन के दौरान दोस्तों श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई थी। वहीं दोस्तों शाहिद कपूर, सेतुपति और राशि खन्ना और के मिलन, उनके अलावा दोस्तों रेजीना कैंसेंडर, जाकिर हुसैन, ये सब इस फिल्म में नजर आए हुए हैं लीड रोल में। लेखक के बारे में हम बात कर लेते हैं, दोस्तों लेखिका सीता मिलन ने कहा था कि राज और डीके के शो द फैमिली मैन के साथ दोस्तों क्रॉस ओवर का संकेत देने वाला एक दृश्य पूर्व नियोजित नहीं था और यही विचार राज को शूटिंग के दिन ही दोस्तों आया था। और जहां भी डीके ने बाद में दोस्तों क्रॉस ओवर की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों श्रृंखला में दुनिया दोस्तों एक दूसरे के समांतर चलती नजर आ रही थी कहानी के अंदर। दोस्तों इस फिल्म की हीरो शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की विशेषता वाले फर्जी के दो फर्स्ट लुक पोस्टर सबसे पहले 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे, जहां पर दोस्तों एक हफ्ता बाद 13 जनवरी को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया। और इसके बाद दोस्तों फिल्म के शो को बढ़ावा देने के लिए प्राइम वीडियो ने सेवा से दोस्तों ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 2000 के नकली नोट भेजने के लिए स्विक के साथ दोस्तों सहयोग किया था। और दोस्तों ये सीरीज 10 फरवरी 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। और दोस्तों उस महीने के अंत में कपूर ने पुष्टि किया था कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस जरूर आएगी। तभी दोस्तों मार्च 2023 में बता दें
जोरावर सिंह उनकला दोस्तों कलसी नाम के एक यूट्यूबर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह को श्रृंखला के एक दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए गुड़गांव में दोस्तों गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने एक तेज रफ्तार कार से नकली नोट फेंके थे। इसी तरह दोस्तों फिल्म के आलोचकों ने अभिनेता शाहिद कपूर और दोस्तों उनके अलावा विजय सेतुपति और दोस्तों कई सारे अभिनेता फिल्म में नजर आए थे, एक साथ सभी ने फोटो खिंचवाया था दोस्तों, वहां पे अभिनय की प्रशंसा की गई थी। इसके बाद दोस्तों NDTV के सेवल छोटाजी ने लिखा है कि एक मनोरंजन कहानी के लिए धन्यवाद। इसमें दोस्तों समान रूप से गति वाली श्रृंखला देखने को मिली, जहाँ पे व्यक्तिगत अध्यायों और दोस्तों उसके सभी 8 एपिसोड में अपनी गति बनाए रखते हैं। और अभिनेता शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और के मैन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, जिसकी वजह से दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि अतुलनीय विजय सेतुपति फिल्म में देखते हैं। इस फिल्म में विजय सेतुपति का किरदार काफी अच्छा उनको लगा था, जीवंत लगा, जो शो को जीवंत करते हैं, जो अपने स्टार शाहिद कपूर की सेवा में लगे हुए हैं। इसके कथानक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों द हिंदू के अनुज कुमार जी ने भी इसकी तुलना द फैमिली मैन से ही की, जहाँ पे दोस्तों प्रतिकूल ये निकाला गया और प्रतिकूल रूप से दोस्तों इसका रिव्यू करते हुए लिखा गया है कि द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी निर्धारित की गई थी वह यहाँ पर बार बार दोस्तों दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीज़ें हैं। और इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त किया था कि कैसे लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों बिताए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को ढीला छोड़ दिया गया है, लेकिन शाहिद कपूर और सेतुपति के प्रदर्शन को शानदार ढंग से बनाया गया है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को Rediff.com की तरफ से रिव्यू किया गया। उनके तरफ से दोस्तों दीपा गहलोत ने विजय सेतुपति और के मेनन के प्रदर्शन की सराहना की और दोस्तों उन्हें कुछ एपिसोड इसके अलावा दोस्तों एंड ऑफ लाइन पंपिंग वाले लगे, लेकिन दोस्तों अन्य एपिसोड उबासी प्रेरक लगे हैं। इसके बाद दोस्तों दीप प्रिंट की निधिमा तलेजा ने इसे रोचक अपराध थ्रिलर कहा और उन्होंने कहा कि भुवन अरोरा को श्रृंखला का ब्रेकआउट प्रदर्शन पाया गया फिल्म में, जो इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने लिखा है कि फर्जी एक दिलचस्प घड़ी को लेकर आया है, लेकिन दोस्तों बहुत अधिक विवरण के साथ ये कुछ हिस्सों में थकाऊ भी लगता है। उन्होंने कहा कि शाहिद कपूर ने इस बार दोस्तों इसे बाहर निकाल दिया है, जो दोस्तों विजय सेतुपति को उल्लेखनीय और मिलन को शीर्ष श्रेणी कहा गया। इसी के साथ दोस्तों स्क्रोल इनकी नंदिनी रामनाथ ने कहा कि शो की खूबियों में दोस्तों अच्छी तरह से चुने गए कलाकार नजर आए, यहाँ पे दोस्तों मजबूत व्यक्तिगत क्षण और इसके अलावा मीम्स के रूप में दोस्तों बने रहने वाले संवाद भी देखने को मिले और शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों वह विशेष रूप से पंकज कुमार की सिनेमेटोग्राफी से प्रभावित थी, जिसके बारे में दोस्तों उन्होंने कहा था कि इसमें गति पैदा करने के लिए दोस्तों लगातार कई टेक्स्ट शामिल किए गए हैं, जो एक दोस्तों शानदार काम है। और तभी दोस्तों प्रफुल्लित किया गया और प्रफुल्लित करने वाले मुंबई के दोस्तों यानी कि भीषण ट्रैफिक जाम में पीछा करने का दृश्य भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगर क्या होता जब कोई कलाकार दोस्तों कानून की सीमाओं को पार करता है, ये भी एक सवाल है। क्या होता है जब दोस्तों वह एक साधारण मुद्रा नोट को कला के एक चुनौतीपूर्ण काम के रूप में देखना शुरू कर देता है। फिल्म के लेखक और निर्देशक जोड़ी राज और DKK हमारे समय की दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं से जूझते हुए करिश्माई चरित्र बनाने की अद्भुत क्षमता को दिखाया गया है। उनका कैनवास जीवन से भी बड़ा होता जाता है, लेकिन दोस्तों वह भावनाओं और विचारों की यहाँ पे जड़दोजी को तीखे हास्य से दोस्तों यहाँ पे पिरोए धागे से समझते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म के अंदर उत्सुक यानी कि मास्टर इसी के साथ दोस्तों कारीगरों के विवरण के साथ बातचीत करते हैं, जो दोस्तों फर्जी के साथ हुआ एक यहाँ पे एवरी मैन यानी कि सीक्रेट एजेंट के साथ ब्रह्मा का विस्तार भी किया है, जिसे दोस्तों उन्होंने द फैमिली मैन के साथ बनाया था। वहीं पे भावनाएं फिल्म के अंदर स्वादिष्ट रखा गया है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज का 8 एपिसोड के बाद जो बहुत सारे दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण आते हैं और दोस्तों हंसने के लिए बहुत कुछ प्रदान किया गया है। श्रृंखला एक डमी बेचे जाने की भावनाओं के साथ दोस्तों छोड़ दिया जाता है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इन वर्षों में अभिनेता शाहिद कपूर उन भूमिकाओं में उत्कृष्ट नजर आए हैं जहां पे चरित्र के आत्मसम्मान पर दोस्तों हमला होता है। यहां दोस्तों एंटी हीरो सनी के रूप में वह उल्लेखनीय रूप से उस भूमिका में एक अजीब मुस्कान के साथ विचारशील जो है तीव्रता का मिश्रण करते हैं, जिसमें उनके वास्तविक जीवन की झलक को दिखाया गया है। बचपन में अपने पिता द्वारा त्याग दिया गया
और तभी से सनी अपने धर्मी नाना यानी कि अमोल पालेकर की छात्र छाया में बड़ा हुआ, जो क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और उसके बाद दोस्तों कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। सनी फिल्म के अंदर क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और वह कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। हालांकि युवा कलाकार अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और मूल काम की तुलना में उनकी और दोस्तों नकली के लिए अधिक भुगतान भी करते हैं। जैसे ही दोस्तों उसने देखा कि पियर्सन और दोस्तों बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण धीरे धीरे यहाँ पे मुरझाता है, तो दोस्तों क्रांति सनी के लिए एक सेवानिवृत्त विचार बन जाती है। लेकिन दोस्तों नानू और उसके दोस्तों दहते विचारों को बचाने के लिए कलाकार आगे बढ़ते हैं और अपनी कला को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेच देते हैं। जैसे जैसे उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उस पर हावी होते नजर आती है, सनी एक ब्लैक होल में फंस जाता है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि एक आदमी अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ता है और कैसे वो फिल्म में भस्म हो जाता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी नैतिक दुविधाओं से भरी हुई है, जिसे दोस्तों निपटना आसान नहीं है। जहाँ पे भावनात्मक ट्रैक दिखाया गया है, सनी को दोस्तों डर है कि उसका नानू, जिसकी याददाश्त दिन पर दिन जो है खराब होती जा रही है, उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों उसने उसके विश्वास का उल्लंघन किया। एक सहजता दोस्तों भावना पैदा करते हैं। तब दोस्तों सनी अपने नानू को पीछे से गले लगाने वाला सिंस आंखों में नम कर देता है और ये दोस्तों पालेकर की प्राचीन उपस्थिति है, जो अपने जो है प्रोजेक्ट को सावधानी से चुनते हैं, जो हमें दोस्तों वैचारिक जो है इसके अलावा इस लग ऑफ फेस की अखंडता में विश्वास दिलाता है। और तभी दोस्तों जब लेखक ट्रैक से भटक जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें को संभाला गया है। दोस्तों एक और यहाँ पे किरदार है माइकल का, विजय सेतुपति है इस किरदार में, जो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने वाला एक अनसंभावित जो है कुशल अधिकारी है, जो देश को नकली मुद्रा के संकट से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी ओर मंसूर यानी कि के मेनन दृश्यों को बचाते हैं। दोस्तों वो अपने जो है ट्रेडमार्क यानी कि उत्कृष्ट के साथ एक सरीसृप आकृति जो है सनी की कल्पना और उसके उद्देश्य के लिए महत्वाकांक्षा को पंख देती है। विजय सेतुपति एक ही समय में उपयुक्त रूप से समझदार और आकर्षक है। जिस तरह से दोस्तों वह हिंदी में अपने संवाद बोलते हैं, उसमें एक खास तरह का प्यार दिखता है। लेकिन दोस्तों अब शब्द भी आपको दिखता है और प्यारे लहजे उनके लगते हैं और ये उनके शारीरिक और मुखर स्वर की शैली के बीच एक दिलचस्प अंतर पैदा करता है। और इसी के साथ दोस्तों मोहनलाल की याद दिलाता है, जिन्होंने दोस्तों कंपनी में एक प्रतिबंध कानून लागू करने वाले की भूमिका निभाई थी। और दोस्तों उनकी पारिवारिक कहानी श्रीकांत तिवारी की तुलना में आधी भी दिलचस्प नहीं है, लेकिन विजय सेतुपति ये सुनिश्चित करते हैं कि ये तब तक दोस्तों स्वादिष्ट बनी रहे जब तक दोस्तों माइकल अगले सीजन में तिवारी के साथ नोट्स साझा नहीं कर लेते। इसी के साथ दोस्तों शादी के साथ ये दूसरा तरीका है, वह एक मनमोहक दुष्ट के रूप में सामने आते हैं, जिसकी दोस्तों परिस्थितियाँ उसे एक दलदल में धकेल देता है। और ये अफसोस की बात है कि हमें पहले सीजन में दोनों के बीच आमना सामना देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दूसरे सीजन के लिए पोर्ट को चालू रखने की साजिश रची हुई है। भले ही दोस्तों इसका मतलब कहानी कहने से दोस्तों समझौता करना और रुचि की स्थिर करना होगा। कहानी के बीच में एक प्रमुख है, लेकिन दोस्तों अच्छी तरह से लिखा गया है ट्रैक, जहाँ पे दोस्तों सनी नकली मुद्रा पर एक विशेषज्ञ मेघा राशि खन्ना के माध्यम से क्रेग टीम में घुसपैठ करता है, जो दिखावे के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब दिल की बात आती है तो वह लड़खड़ा जाती है। और ये दोस्तों भाग इस तरह से लिखा गया है कि किसी को दोस्तों कुछ समय के लिए अविश्वास को यहाँ पे स्थगित करने को कोई भी यानी कि आपत्ति नहीं है। इसके वजह से दोस्तों राशि एक ऐसी लड़की के रूप में भी प्रभावित है, प्रभावशाली है, जो सनी के जादू से अपने लक्ष्य से ज़्यादा दोस्तों विचलित नहीं होती है। आगे दोस्तों हमेशा की तरह एक्शन, राज और डीके की यूनिवर्स यानी कि करंट अफेयर्स और इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड स्कोर से जुड़ा हुआ है। मंत्री के बारे में हम बात कर ले तो मंत्री यानी कि गहलोत, जाकिर हुसैन का हर चीज को दोस्तों चुनावी राजनीति से जोड़ने का आग्रह फिल्म के अंदर शानदार है। और जिस तरह से माइकल उन्हें हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मंत्री के पैर खींचने पर अखबार में एक बड़ी तस्वीर का विचार देते हैं, वो भी देखने में काफी ज्यादा कॉमेडी सीन लगता है। हालांकि सभी चित्र निर्माण और सक्षम प्रदर्शनों के लिए एक द फैमिली मैन का सरल जो है प्रशिक्षण है, यहाँ पे गहन अनुभव यहाँ पे गायब हो गया, क्योंकि निर्माता
ये रेखांकित करने के लिए उत्सुकता को दिखाते हैं। फर्जी एक जादूगर के काम की दोस्तों तरह लगता है जो बाजार की मांग पर अपनी चाल दोहराता हुआ नजर आता है। इसके बाद दोस्तों द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियां निर्धारित की गई थी वो भी देखने लायक है। वह यहाँ पर दोस्तों बार बार दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें हैं। फिल्म की पटकथा उस आकर्षक दोस्तों कोड की तरह लगता है जिसकी दोस्तों लाइनिंग ठीक से नहीं दिखाई गई है और 8 एपिसोड के उतार चढ़ाव के दौरान रास्ता छोड़ दिया जाता है। ऐसे हिस्से फिल्म में है जब दोस्तों ऐसा लगता है कि नकली मुद्रा पर लेखकों के शोध नोट्स स्क्रिप्ट में दोस्तों फिसल जाती है और हम नकली बिलों को स्क्रीन पर कैसे प्रदर्शित किया गया ये भी देखने को मिला। उस पर दोस्तों एक निर्देश यहाँ पे पुस्तिका देख सकते हैं जहाँ पे मजे की बात यह है कि लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों खर्च किए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया गया है जो ज़्यादा देखने में मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों अगर फर्जी की पूरी कहानी को समझना चाहते हो तो आपको ये सीरीज तो एक बार देखना होगा। अगर दोस्तों फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो जब कोई शो या फिल्म कलाकारों के एक समूह के साथ बनाई जाती है तो सभी पात्रों के बीच संतुलन बनाना कठिन तो होता है, लेकिन दोस्तों राज और डीके के इस पहलू में बेहद यानी कि सफल रहे हैं और शो में आने वाले हर किरदार को अहमियत मिली हुई है, चाहे वह के मिलन के गिरोह का गुंडा हो या फिर अपने जो है प्रेमी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उससे दोस्तों अलग होना चाहती हूँ। हर किरदार का अपना उद्देश्य इस फिल्म में काफी शानदार है। विजय सेतुपति प्रतिभा के सागर है और दोस्तों वह अभिनेता एक बार फिर शो में शानदार प्रदर्शन करते हैं जिसके वजह से टास्क फोर्स अधिकारी के रूप में वह बहुत प्रखर है और अगर कोई अन्य कलाकार इसे निभाता तो इसका प्रभाव इससे बेहतर नहीं हो सकता था। और दोस्तों उनकी कॉमेडी टाइमिंग निश्चित रूप से आपको गुदगुदाने वाली देखने को मिलेगी जो केंद्रीय मंत्री के साथ विजय सेतुपति के दृश्य बड़ा फिल्म के अंदर दोस्तों मनोरंजन तरीके से उनके साथ फिल्माया गया है। इसी के साथ दोस्तों आगे आपको बता दें सनी के रूप में शाहिद कपूर ने पार्क से बाहर दस्तक दी जहां शाहिद कपूर फर्जी की आत्मा है जिसके चारों ओर दोस्तों पूरी कहानी घूमती है, चाहे वह कॉमेडी हो या फिर इमोशंस हो या फिर एक्शन हो या फिर रोमांस। अभिनेता ने इसमें दोस्तों अपना सब कुछ झोंक दिया है और शो में शाहिद बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उन्हें अपने अभिनय के लिए दोस्तों निश्चित रूप से जबरदस्त इनकी तालियां मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों निर्माता ने शाहिद के चरित्र के माध्यम से कुछ सामाजिक जो है तत्वों को भी छुआ है जो भुवन अरोड़ा का विशेष उल्लेख आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ अभिनेत्री राशि खन्ना के बारे में हम बात करें तो राशि खन्ना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वह इसमें आश्चर्यचकित भी करती है सभी को और उन्हें अभिनय के लिए अधिक जो है अवसर मिला और अभिनेत्री भूमिका में उपयुक्त थी और के मिलन खलनायक के रूप में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सभी का सेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फर्जी वेब सीरीज का अधिकार दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो को दिया गया है। इसके 8 एपिसोड को 2023 में 10 फरवरी को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो अमेज़न प्राइम वीडियो में सीरीज को आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्जी फिल्म के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें फिल्म कबीर सिंह से बड़े पर्दे पर अभिनेता शाहिद कपूर ने अपना करिश्मा वापस पा लिया था, लेकिन दोस्तों फिर 3 साल बाद फिल्म फर्जी में इसे वापस भी गवा दिया। अब दोस्तों ऐसी क्या चीज है फिल्म की कहानी में जिसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें उनका रुआब हमेशा हिंदी सिनेमा में रहा है, दोस्तों वो अभिनय भी काफी शानदार करते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कहने वाले कह सकते हैं कि राज और डीके ने अभिनेता शाहिद कपूर की कबीर सिंह के बाद दोस्तों बनी रौनक को वेब सीरीज फर्जी में बुलाने की पूरी कोशिश की है। तो राज और डीके ने करीब 9 साल पहले इस फिल्म की ऑफर की थी। दोस्तों शाहिद कपूर के पास पहले ऑफर आया था तो दोस्तों फिल्म की कहानी राज और डीके ने सुनाई थी, लेकिन दोस्तों उस वक्त बात बनते बनते बिगड़ गई, लेकिन दोस्तों उस वक्त वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन दोस्तों करीब 9 साल बाद इस फिल्म को फिर से बनाया गया। राज और डीके ने
इस फिल्म को दोस्तों एक वेब सीरीज में बनाया और तकरीबन दोस्तों 8 एपिसोड का इस फिल्म को बना डाला है और दोस्तों इस वेब सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो में रिलीज किया गया है। लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है, लेकिन दोस्तों ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से दोस्तों शाहिद कपूर की छवि को इसमें थोड़ा सा खराब किया गया है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। इसी के साथ दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फर्जी की कहानी का डीएनए कुछ दोस्तों फैमिली मैन जैसा ही है दोस्तों, लेकिन वहां पे आपको बता दें श्रीकांत तिवारी हीरो है। यहां दोस्तों माइकल सेकंड लीड में नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म के अंदर शाहिद कपूर ने अभिनय किया हीरो के रूप में। दोस्तों शाहिद कपूर फिल्म में क्रांति लाना चाहते हैं और उनका नाना भी क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों के रास्ते फिल्म में अलग हो जाता है। वहीं पे दोस्तों राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी से उनके अपने दोस्तों बनाए देश प्रेमियों के यूनिवर्स का विस्तार होता दिखाया गया है। वो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले आदमी के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा कर्ज आ जाता है। उस कर्ज को ना चुका पाने की वजह से उसका नाती नकली नोट बनाने का कारोबार शुरू करता है और किस तरह से उसने नकली नोट को बनाया है और कितनी सफाई से काम किया है, यही सब चीज इस फिल्म में आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे राज और डीके द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों जिन्होंने सीता मिलन और उनके अलावा सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह लेखन भी किया था, इसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और उनके अलावा के मिलन और राशि खन्ना और उनके अलावा भुवन अरोरा अभिनय करते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये एक निराशा कलाकार की कहानी को फिल्म में बताया गया है जो नकली पैसा बनाने का फैसला कर लेता है अपनी जिंदगी से परेशान होकर। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फिल्म की कहानी 9 साल पहले शाहिद कपूर के सामने पेश किया गया था। शुरुआत में दोस्तों 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। वही दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी, लेकिन दोस्तों फिल्मांकन अलीबाग, गोवा और नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ। वही दोस्तों सचिन जिगर और उनके अलावा तनिष बागची ने गीतों की रचना की इस वेब सीरीज के लिए, जबकि दोस्तों कीर्तन सोरा ने स्कोर प्रदान किया। और दोस्तों ये श्रृंखला राज और डीके की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ थोड़ा सा मेलजोल करता है। इसी के साथ दोस्तों इस श्रृंखला का 8 एपिसोड है। यहाँ दोस्तों 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी और इसके बाद दोस्तों फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और ये सबसे ज्यादा दोस्तों देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी। और इसके बाद फरवरी 2023 के अंत तक दोस्तों शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि शो दूसरे सीजन के लिए वापस भी आएगा। इसी के साथ दोस्तों फर्जी के बारे में हम बात कर ले तो फर्जी यानी कि सनी के बारे में कहानी है जो दोस्तों एक कलाकार है फिल्म में जो अपने दादा की क्रांतिकारी प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आए दोस्तों असमानता से निराश हो गया है और वह नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सह निर्माता राज निधि मोरू के अनुसार दोस्तों फर्जी शीर्षक, जिसका अर्थ ये होता है कि नकली, दोस्तों जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित करता है इस फिल्म की कहानी, जिसे दोस्तों 2023 में सबसे ज्यादा इस शो को देखा गया है और पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिल्म की कहानी कैसी है और दोस्तों इस फिल्म की कहानी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों फर्जी के बारे में सबसे पहले कल्पना किया गया था 2014 में राज और डीके द्वारा शाहिद कपूर और इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक फिल्म के रूप में पहले की गई थी। साल के अंत तक दोस्तों कृति सेनन कलाकारों में शामिल भी हो गई थी अभिनय करने के लिए, लेकिन दोस्तों 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया। इसमें दोस्तों शाहिद कपूर अभी भी जुड़े हुए थे। जनवरी 2021 में शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई है। सितंबर 2021 में भुवन अरोरा ने कहा था कि वह श्रृंखला पर काम कर रहे थे जब वह चेन्नई में थे, द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे तब। तो दोस्तों राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन शुरू होने के 40 दिन बाद वह प्रोडक्शन में शामिल हो गए थे और इसके बाद दोस्तों सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी सह कलाकार राशि खन्ना को दिया, जिनके साथ उन्होंने पहले तमिल फिल्म में काम किया था।
इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई। फिल्मांकन गोवा, अलीबाग, नेपाल और जॉर्डन में इस फिल्म को फिल्माया गया है। इस सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा दोस्तों 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजनाओं की लॉन्च प्रदर्शन के दौरान दोस्तों श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई थी। वहीं दोस्तों शाहिद कपूर, सेतुपति और राशि खन्ना और के मिलन, उनके अलावा दोस्तों रेजीना, केन सेंडर, जाकिर हुसैन, ये सब इस फिल्म में नजर आए हुए हैं लीड रोल में। लेखक के बारे में हम बात कर लेते दोस्तों, लेखिका सीता मिलन ने कहा था कि राज और डीके के शो द फैमिली मैन के साथ दोस्तों क्रॉस ओवर का संकेत देने वाला एक दृश्य पूर्व नियोजित नहीं था और यह विचार राज को शूटिंग के दिन ही दोस्तों आया था। और जहां भी डीके ने बाद में दोस्तों क्रॉस ओवर की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों श्रृंखला में दुनिया दोस्तों एक दूसरे के समांतर चलती नजर आ रही थी कहानी के अंदर। दोस्तों इस फिल्म की हीरो शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की विशेषता वाले फर्जी के दो फर्स्ट लुक पोस्टर सबसे पहले 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे, जहां पर दोस्तों एक हफ्ता बाद 13 जनवरी को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया। और इसके बाद दोस्तों फिल्म के शो को बढ़ावा देने के लिए प्राइम वीडियो ने सेवा से दोस्तों ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 2000 के नकली नोट भेजने के लिए स्विग के साथ दोस्तों सहयोग किया था। और दोस्तों ये सीरीज 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। और दोस्तों उस महीने के अंत में कपूर ने पुष्टि किया था कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस जरूर आएगी। तभी दोस्तों मार्च 2023 में बता दें, जोरावर सिंह उनकला दोस्तों कलसी नाम के एक यूट्यूबर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह को श्रृंखला के एक दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए गुड़गांव में दोस्तों गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने एक तेज रफ्तार कार से नकली नोट फेंके थे। इसी तरह दोस्तों फिल्म के आलोचकों ने अभिनेता शाहिद कपूर और दोस्तों उनके अलावा विजय सेतुपति और दोस्तों कई सारे अभिनेता फिल्म में नजर आए थे, एक साथ सभी ने फोटो खिंचवाया था। दोस्तों वहां पे अभिनय की प्रशंसा की गई थी। इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने लिखा है कि एक मनोरंजन कहानी के लिए धन्यवाद, जिसमें दोस्तों समान रूप से गति वाली श्रृंखला देखने को मिली, जहाँ पे व्यक्तिगत अध्यायों और दोस्तों उसके सभी 8 एपिसोड में अपनी गति बनाए रखते हैं। और अभिनेता शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और के मेनन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, जिसकी वजह से दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि अतुलनीय विजय सेतुपति फिल्म में दिखते हैं। इस फिल्म में विजय सेतुपति का किरदार काफी अच्छा उनको लगा था, जीवंत लगा, जो शो को जीवंत करते हैं, जो अपने स्टार शाहिद कपूर की सेवा में लगे हुए हैं। इसके कथानक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों द हिंदू के अनुज कुमार जी ने भी इसकी तुलना द फैमिली मैन से ही की। यहाँ पे दोस्तों प्रतिकूल ये निकाला गया और प्रतिकूल रूप से दोस्तों इसका रिव्यू करते हुए लिखा गया है कि द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी निर्धारित की गई थी वह यहाँ पर बार बार दोस्तों दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें हैं। और इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त किया था कि कैसे लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों बिताए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को ढीला छोड़ दिया गया है, लेकिन शाहिद कपूर और सेतुपति के प्रदर्शन को शानदार ढंग से बनाया गया है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को Rediff.com की तरफ से रिव्यू किया गया। उनके तरफ से दोस्तों दीपा गहलोत ने विजय सेतुपति और के मेनन के प्रदर्शन की सराहना की और दोस्तों उन्हें कुछ एपिसोड इसके अलावा दोस्तों एंड्रो लाइन पंपिंग वाले लगे, लेकिन दोस्तों अन्य एपिसोड उबासी प्रेरक लगे हैं। इसके बाद दोस्तों दीप प्रिंट की निधिमा तनेजा ने इसे रोचक अपराध थ्रिलर कहा और उन्होंने कहा कि भुवन अरोरा को श्रृंखला का ब्रेकआउट प्रदर्शन पाया गया फिल्म में, जो इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने लिखा है कि फर्जी एक दिलचस्प घड़ी को लेकर आया है, लेकिन दोस्तों बहुत अधिक विवरण के साथ ये कुछ हिस्सों में थकाऊ भी लगता है। उन्होंने कहा कि शाहिद कपूर ने इस बार दोस्तों इसे बाहर निकाल दिया है, जो दोस्तों विजय सेतुपति को उल्लेखनीय और मिलन को शीर्ष श्रेणी कहा गया। इसी के साथ दोस्तों स्क्रोल इन की नंदिनी रामनाथ ने कहा कि शो की खूबियों में दोस्तों अच्छी तरह से चुने गए कलाकार नजर आए, यहाँ पे दोस्तों मजबूत व्यक्तिगत क्षण और इसके अलावा मीम्स के रूप में दोस्तों बने रहने वाले संवाद भी देखने को मिले और शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों वह विशेष रूप से पंकज कुमार की सिनेमेटोग्राफी से प्रभावित थी, जिसके बारे में दोस्तों उन्होंने कहा था कि इसमें गति पैदा करने के लिए दोस्तों लगातार कई टेक्स्ट शो शामिल किए गए हैं, जो एक दोस्तों शानदार काम है। और तभी दोस्तों प्रफुल्लित किया गया और प्रफुल्लित करने वाले मुंबई के दोस्तों यानी कि भीषण ट्रैफिक के जाम में पीछा करने का दृश्य भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है।
इसी के साथ दोस्तों, अगर क्या होता जब कोई कलाकार दोस्तों कानून की सीमाओं को पार करता है, ये भी एक सवाल है। क्या होता है जब दोस्तों वह एक साधारण मुद्रा नोट को कला के एक चुनौतीपूर्ण काम के रूप में देखना शुरू कर देता है। फिल्म के लेखक और निर्देशक जोड़ी राज और DKK हमारे समय की दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं से जूझते हुए करिश्माई चरित्र बनाने की अद्भुत क्षमता को दिखाया गया है। उनका कैनवास जीवन से भी बड़ा होता जाता है, लेकिन दोस्तों वह भावनाओं और विचारों की यहाँ पे जरदोजी को तीखे हास्य से दोस्तों यहाँ पे पिरोए धागे से समझते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म के अंदर उत्सुक यानी कि मास्टर इसी के साथ दोस्तों कारीगरों के विवरण के साथ बातचीत करते हैं, जो दोस्तों फर्जी के साथ हुआ एक यहाँ पे एवरी मैन यानी कि सीक्रेट एजेंट के साथ ब्रह्मा का विस्तार भी किया है, जिसे दोस्तों उन्होंने द फैमिली मैन के साथ बनाया था। वहीं पे भावनाएं फिल्म के अंदर स्वादिष्ट रखा गया है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज का 8 एपिसोड के बाद जो बहुत सारे दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण आते हैं, और दोस्तों हंसने के लिए बहुत कुछ प्रदान किया गया है। श्रृंखला एक डमी बेचे जाने की भावनाओं के साथ दोस्तों छोड़ दिया जाता है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इन वर्षों में अभिनेता शाहिद कपूर उन भूमिकाओं में उत्कृष्ट नजर आए हैं जहां पे चरित्र के आत्मसम्मान पर दोस्तों हमला होता है। यहां दोस्तों एंटी हीरो सनी के रूप में वह उल्लेखनीय रूप से उस भूमिका में एक अजीब मुस्कान के साथ विचारशील जो है तीव्रता का मिश्रण करते हैं, जिसमें उनके वास्तविक जीवन की झलक को दिखाया गया है। बचपन में अपने पिता द्वारा त्याग दिया गया और तभी से सनी अपने धर्मी नाना यानी कि अमोल पालेकर की छात्र छाया में बड़ा हुआ, जो क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और उसके बाद दोस्तों कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। सनी फिल्म के अंदर क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और वह कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। हालांकि वह कलाकार अपने आस पास की दुनिया को देखते हैं और मूल काम की तुलना में उनकी और दोस्तों नकली के लिए अधिक भुगतान भी करते हैं। जैसे ही दोस्तों उसने देखा कि पेयर शरण और दोस्तों बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण धीरे धीरे यहाँ पे मुरझाता है, तो दोस्तों क्रांति सनी के लिए एक सेवानिवृत्त विचार बन जाती है। लेकिन दोस्तों नानू और उसके दोस्तों दहते विचारों को बचाने के लिए कलाकार आगे बढ़ते हैं और अपनी कला को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेच देते हैं। जैसे जैसे उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उस पर हावी होते नजर आती है, सनी एक ब्लैक होल में फंस जाता है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि एक आदमी अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ता है और कैसे वो फिल्म में भस्म हो जाता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी नैतिक दुविधाओं से भरी हुई है, जिसे दोस्तों निपटना आसान नहीं है। जहाँ पे भावनात्मक ट्रैक दिखाया गया है, सनी को दोस्तों डर है कि उसका नानू जिसकी याददाश्त दिन पर दिन जो है खराब होती जा रही है, उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों उसने उसके विश्वास का उल्लंघन किया, एक सहजता दोस्तों भावना पैदा करते हैं। तब दोस्तों सनी अपने नानू को पीछे से गले लगाने वाला सिंस आंखों में नम कर देता है, और ये दोस्तों पालेकर की प्राचीन उपस्थिति है जो अपने जो है प्रोजेक्ट को सावधानी से चुनते हैं, जो हमें दोस्तों वैचारिक जो है इसके अलावा इस लगाव फेस की अखंडता में विश्वास दिलाता है। और तभी दोस्तों जब लेखक ट्रैक से भटक जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें को संभाला गया है। दोस्तों एक और यहाँ पे किरदार है माइकल का, विजय सेतुपति है इस किरदार में, जो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने वाला एक अनसंभावित जो है कुशल अधिकारी है, जो देश को नकली मुद्रा के संकट से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, और दूसरी ओर मंसूर यानी कि के मिलन दृश्य को बचाते हैं। दोस्तों वो अपने जो है ट्रेडमार्क यानी कि उत्कृष्ट के साथ एक सरीसृप आकृति जो है सनी की कल्पना और उसके उद्देश्य के लिए महत्वाकांक्षा को पंख देती है। विजय सेतुपति एक ही समय में उपयुक्त रूप से समझदार और आकर्षक है। जिस तरह से दोस्तों वह हिंदी में अपने संवाद बोलते हैं उसमें एक खास तरह का प्यार दिखता है, लेकिन दोस्तों अब शब्द भी आपको दिखता है और प्यारे लहजे उनके लगते हैं, और ये उनके शारीरिक और मुखर स्वर की शैली के बीच एक दिलचस्प अंतर पैदा करता है। और इसी के साथ दोस्तों मोहन लाल की याद दिलाता है, जिन्होंने दोस्तों कंपनी में एक प्रतिबंध कानून लागू करने वाले की भूमिका निभाई थी, और दोस्तों उनकी पारिवारिक कहानी श्रीकांत तिवारी की तुलना में आधी भी दिलचस्प नहीं है। लेकिन विजय सेतुपति ये सुनिश्चित करते हैं कि ये तब तक दोस्तों स्वादिष्ट बनी रहे जब तक दोस्तों माइकल अगले सीजन में तिवारी के साथ नोट्स साझा नहीं कर लेते। इसी के साथ दोस्तों शादी के साथ ये दूसरा तरीका है, वह एक मनमोहक दुष्ट के रूप में सामने आते हैं।
जिसकी दोस्तों परिस्थितियाँ उसे एक दलदल में धकेल देता है। और ये अफसोस की बात है कि हमें पहले सीजन में दोनों के बीच आमना सामना देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दूसरे सीजन के लिए पोर्ट को चालू रखने की साजिश रची हुई है। भले ही दोस्तों इसका मतलब कहानी कहने से दोस्तों समझौता करना और रुचि की स्थिर करना होगा। कहानी के बीच में एक प्रमुख है, लेकिन दोस्तों अच्छी तरह से लिखा गया है ट्रैक, जहाँ पे दोस्तों सनी नकली मुद्रा पर एक विशेषज्ञ मेघा राशि खन्ना के माध्यम से क्रेग टीम में घुसपैठ करता है, जो दिखावे के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब दिल की बात आती है तो वह लड़खड़ा जाती है। और ये दोस्तों भाग इस तरह से लिखा गया है कि किसी को दोस्तों कुछ समय के लिए अविश्वास को यहाँ पे स्थगित करने को कोई भी अनुकूल पति नहीं है। इसके वजह से दोस्तों राशि एक ऐसी लड़की के रूप में भी प्रभावित है, प्रभावशाली है, जो शनि के जादू से अपने लक्ष्य से ज्यादा दोस्तों विचलित नहीं होती है। आगे दोस्तों हमेशा की तरह एक्शन राज और डीके की यूनिवर्स इनके करंट अफेयर्स और इसके अलावा दोस्तों एलएलबी का बैकग्राउंड स्कोर से जुड़ा हुआ है। मंत्री के बारे में हम बात कर ले तो मंत्री यानी गहलोत, जाकिर हुसैन का हर चीज को दोस्तों चुनावी राजनीति से जोड़ने का आग्रह फिल्म के अंदर शानदार है। और जिस तरह से माइकल उन्हें हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मंत्री के पैर खींचने पर अखबार में एक बड़ी तस्वीर का विचार देते हैं, वो भी देखने में काफी ज्यादा कॉमेडी सीन लगता है। हालांकि सभी चित्र निर्माण और सक्षम प्रदर्शनों के लिए एक द फैमिली मैन का सरल जो है प्रशिक्षण है, यहाँ पे गहन अनुभव यहाँ पे गायब हो गया, क्योंकि निर्माता ये रेखांकित करने के लिए उस उत्सुकता को दिखाते हैं। फर्जी एक जादूगर के काम की दोस्तों तरह लगता है, जो बाजार की मांग पर अपनी चाल दोहराता हुआ नजर आता है। इसके बाद दोस्तों द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियां निर्धारित की गई थी वो भी देखने लायक है। वह यहाँ पर दोस्तों बार बार दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें हैं। फिल्म की पटकथा उस आकर्षक दोस्तों कोड की तरह लगता है, जिसकी दोस्तों लाइनिंग ठीक से नहीं दिखाई गई है और 8 एपिसोड के उतार चढ़ाव के दौरान रास्ता छोड़ दिया जाता है। ऐसे हिस्से फिल्म में है जब दोस्तों ऐसा लगता है कि नकली मुद्रा पर लेखकों के शोध नोट्स स्क्रिप्ट में दोस्तों फिसल जाती है और हम नकली बिलों को स्क्रीन पर कैसे प्रदर्शित किया गया है ये भी देखने को मिला। उस पर दोस्तों एक निर्देश यहाँ पे पुस्तिका देख सकते हैं, जहाँ पे मजे की बात यह है कि लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों खर्च किए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया गया है, जो ज्यादा देखने में मजा नहीं आता है। तो दोस्तों अगर फर्जी की पूरी कहानी को समझना चाहते हो तो आपको ये सीरीज तो एक बार देखना होगा। अगर दोस्तों फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो जब कोई शो या फिल्म कलाकारों के एक समूह के साथ बनाई जाती है तो सभी पात्रों के बीच संतुलन बनाना कठिन तो होता है, लेकिन दोस्तों राज और डीके के इस पहलू में बेहद यानी कि सफल रहे हैं और शो में आने वाले हर किरदार को अहमियत मिली हुई है, चाहे वह के मिलन के गिरोह का गुंडा हो या फिर अपने जो है प्रेमी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उससे दोस्तों अलग होना चाहती हो। हर किरदार का अपना उद्देश्य इस फिल्म में काफी शानदार है। विजय सेतुपति प्रतिभा के सागर है और दोस्तों वह अभिनेता एक बार फिर शो में शानदार प्रदर्शन करते हैं, जिसके वजह से टास्क फोर्स अधिकारी के रूप में वह बहुत प्रखर है और अगर कोई अन्य कलाकार इसे निभाता तो इसका प्रभाव इससे बेहतर नहीं हो सकता था। और दोस्तों उनकी कॉमेडी टाइमिंग निश्चित रूप से आपको गुदगुदाने वाली देखने को मिलेगी, जो केंद्रीय मंत्री के साथ विजय सेतुपति के दृश्य बड़ा फिल्म के अंदर दोस्तों मनोरंजन तरीके से उनके साथ फिल्माया गया है। इसी के साथ दोस्तों आगे आपको बता दें, सनी के रूप में शाहिद कपूर ने पार्क से बाहर दस्तक दी, जहां शाहिद कपूर फर्जी की आत्मा है जिसके चारों ओर दोस्तों पूरी कहानी घूमती है, चाहे वह कॉमेडी हो या फिर इमोशंस हो या फिर एक्शन हो या फिर रोमांस। अभिनेता ने इसमें दोस्तों अपना सब कुछ झोंक दिया है और शो में शाहिद बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उन्हें अपने अभिनय के लिए दोस्तों निश्चित रूप से जबरदस्त इनकी तालियां मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों निर्माता ने शाहिद के चरित्र के माध्यम से कुछ सामाजिक जो है तत्वों को भी छुआ है, जो भुवन अरोड़ा का विशेष उल्लेख आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ अभिनेत्री राशि खन्ना के बारे में हम बात करें तो राशि खन्ना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वह इसमें आश्चर्य चर्चित भी करती है सभी को, और उन्हें अभिनय के लिए अधिक जो है अवसर मिला और अभिनेत्री भूमिका में उपयुक्त थी और के मिलन खलनायक के रूप में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सभी का सेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फर्जी वेब सीरीज का अधिकार दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो को दिया गया है।
इसके 8 एपिसोड को 2023 में 10 फरवरी को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो Amazon प्राइम वीडियो में सीरीज को आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्जी फिल्म के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें फिल्म कबीर सिंह से बड़े पर्दे पर अभिनेता शाहिद कपूर ने अपना करिश्मा वापस पा लिया था, लेकिन दोस्तों फिर 3 साल बाद फिल्म फर्जी में इसे वापस भी गवा दिया। अब दोस्तों ऐसी क्या चीज है फिल्म की कहानी में जिसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें उनका रुआब हमेशा हिंदी सिनेमा में रहा है, दोस्तों वो अभिनय भी काफी शानदार करते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कहने वाले कह सकते हैं कि राज और DK ने अभिनेता शाहिद कपूर की कबीर सिंह के बाद दोस्तों बनी रौनक को वेब सीरीज फर्जी में बुनाने की पूरी कोशिश की है। तो राज और DK ने करीब 9 साल पहले इस फिल्म की ऑफर की थी। दोस्तों शाहिद कपूर के पास पहले ऑफर आया था तो दोस्तों फिल्म की कहानी राज और DK ने सुनाई थी, लेकिन दोस्तों उस वक्त बात बनते बनते बिगड़ गई, लेकिन दोस्तों उस वक्त वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन दोस्तों करीब 9 साल बाद इस फिल्म को फिर से बनाया गया। राज और DK ने इस फिल्म को दोस्तों एक वेब सीरीज में बनाया और तकरीबन दोस्तों 8 एपिसोड का इस फिल्म को बना डाला है और दोस्तों इस वेब सीरीज को Amazon प्राइम वीडियो में रिलीज किया गया है। लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है, लेकिन दोस्तों ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से दोस्तों शाहिद कपूर की छवि को इसमें थोड़ा सा खराब किया गया है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। इसी के साथ दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फर्जी की कहानी का DNA कुछ दोस्तों फैमिली मैन जैसा ही है दोस्तों, लेकिन वहां पे आपको बता दें श्रीकांत तिवारी हीरो है। यहां दोस्तों माइकल सेकंड लीड में नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म के अंदर शाहिद कपूर ने अभिनय किया हीरो के रूप में। दोस्तों शाहिद कपूर फिल्म में क्रांति लाना चाहते हैं और उनका नाना भी क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों के रास्ते फिल्म में अलग हो जाता है। वहीं पे दोस्तों राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी से उनके अपने दोस्तों बनाए देश प्रेमियों के यूनिवर्स का विस्तार होता दिखाया गया है। वो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले आदमी के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा कर्ज आ जाता है। उस कर्ज को ना चुका पाने की वजह से उसका नाती नकली नोट बनाने का कारोबार शुरू करता है और किस तरह से उसने नकली नोट को बनाया है और कितनी सफाई से काम किया है, यही सब चीज इस फिल्म में आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे राज और DK द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों जिन्होंने सीता मिलन और उनके अलावा सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह लेखन भी किया था इसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और उनके अलावा KK मिलन और राशि खन्ना और उनके अलावा भुवन अरोरा अभिनय करते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये एक निराशा कलाकार की कहानी को फिल्म में बताया गया है जो नकली पैसा बनाने का फैसला कर लेता है अपनी जिंदगी से परेशान होकर। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फिल्म की कहानी 9 साल पहले शाहिद कपूर के सामने पेश किया गया था। शुरुआत में दोस्तों 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। वही दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी, लेकिन दोस्तों फिल्मांकन अलीबाग, गोवा और नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ। वही दोस्तों सचिन जिगर और उनके अलावा तनिष्क बागची ने गीतों की रचना की इस वेब सीरीज के लिए, जबकि दोस्तों कीर्तन सोरा ने स्कोर प्रदान किया। और दोस्तों ये श्रृंखला राज और DK की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ थोड़ा सा मेलजोल करता है। इसी के साथ दोस्तों इस श्रृंखला का 8 एपिसोड है। यहाँ दोस्तों 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को Amazon प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी और इसके बाद दोस्तों फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और ये सबसे ज्यादा दोस्तों देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी। और इसके बाद फरवरी 2023 के अंत तक दोस्तों शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि शो दूसरे सीजन के लिए वापस भी आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्जी फिल्म के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें फिल्म कबीर सिंह से बड़े पर्दे पर अभिनेता शाहिद कपूर ने अपना करिश्मा वापस पा लिया था, लेकिन दोस्तों फिर 3 साल बाद फिल्म फर्जी में इसे वापस भी गवा दिया। अब दोस्तों ऐसी क्या चीज है फिल्म की कहानी में जिसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें उनका रुआब हमेशा हिंदी सिनेमा में रहा है, दोस्तों वो अभिनय भी काफी शानदार करते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कहने वाले कह सकते हैं कि राज और DK ने अभिनेता शाहिद कपूर की कबीर सिंह के बाद दोस्तों बनी रौनक को वेब सीरीज फर्जी में
बनाने की पूरी कोशिश की है। तो राज और डीके ने करीब 9 साल पहले इस फिल्म की ऑफर की थी। दोस्तों शाहिद कपूर के पास पहले ऑफर आया था तो दोस्तों फिल्म की कहानी राज और डीके ने सुनाई थी, लेकिन दोस्तों उस वक्त बात बनते बनते बिगड़ गई। लेकिन दोस्तों उस वक्त वो फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन दोस्तों करीब 9 साल बाद इस फिल्म को फिर से बनाया गया। राज और डीके ने इस फिल्म को दोस्तों एक वेब सीरीज में बनाया और तकरीबन दोस्तों 8 एपिसोड का इस फिल्म को बना डाला है और दोस्तों इस वेब सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो में रिलीज किया गया है। लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है, लेकिन दोस्तों ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से दोस्तों शाहिद कपूर की छवि को इसमें थोड़ा सा खराब किया गया है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। इसी के साथ दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फर्जी की कहानी का डीएनए कुछ कुछ दोस्तों फैमिली मैन जैसा ही है दोस्तों, लेकिन वहां पे आपको बता दें श्रीकांत तिवारी हीरो है। यहां दोस्तों माइकल सेकेन लीड में नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म के अंदर शाहिद कपूर ने अभिनय किया हीरो के रूप में। दोस्तों शाहिद कपूर फिल्म में क्रांति लाना चाहते हैं और उनका नाना भी क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों के रास्ते फिल्म में अलग हो जाता है। वहीं पे दोस्तों राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी से उनके अपने दोस्तों बनाए देश प्रेमियों के यूनिवर्स का विस्तार होता दिखाया गया है। वो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले आदमी के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा कर्ज आ जाता है। उस कर्ज को ना चुका पाने की वजह से उसका नाती नकली नोट बनाने का कारोबार शुरू करता है और किस तरह से उसने नकली नोट को बनाया है और कितनी सफाई से काम किया है, यही सब चीज इस फिल्म में आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे राज और डीके द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों जिन्होंने सीता मिलन और उनके अलावा सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह लेखन भी किया था, इसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और उनके अलावा के मिलन और राशि खन्ना और उनके अलावा भुवन अरोरा अभिनय करते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये एक निराशा कलाकार की कहानी को फिल्म में बताया गया है जो नकली पैसा बनाने का फैसला कर लेता है अपनी जिंदगी से परेशान होकर। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फिल्म की कहानी 9 साल पहले शाहिद कपूर के सामने पेश किया गया था। शुरुआत में दोस्तों 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। वही दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी, लेकिन दोस्तों फिल्मांकन अलीबाग, गोवा और नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ। वही दोस्तों सचिन जिगर और उनके अलावा तनिष्क बागची ने गीतों की रचना की इस वेब सीरीज के लिए, जबकि दोस्तों केतन सोरा ने स्कोर प्रदान किया। और दोस्तों ये श्रृंखला राज और डीके की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ थोड़ा सा मेलजोल करता है। इसी के साथ दोस्तों इस श्रृंखला का 8 एपिसोड है। यहाँ दोस्तों 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी और इसके बाद दोस्तों फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और ये सबसे ज्यादा दोस्तों देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी। और इसके बाद फरवरी 2023 के अंत तक दोस्तों शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि शो दूसरे सीजन के लिए वापस भी आएगा। इसी के साथ दोस्तों फर्जी के बारे में हम बात कर ले तो फर्जी यानी कि सनी के बारे में कहानी है जो दोस्तों एक कलाकार है फिल्म में जो अपने दादा की क्रांतिकारी प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आए दोस्तों असमानता से निराश हो गया है और वह नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सह निर्माता राज निधि मोरू के अनुसार दोस्तों फर्जी शीर्षक जिसका अर्थ ये होता है कि नकली दोस्तों जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित करता है इस फिल्म की कहानी, जिसे दोस्तों 2023 में सबसे ज्यादा इस शो को देखा गया है और पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिल्म की कहानी कैसी है और दोस्तों इस फिल्म की कहानी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों फर्जी के बारे में सबसे पहले कल्पना किया गया था 2014 में राज और डीके द्वारा शाहिद कपूर और इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक फिल्म के रूप में पहले की गई थी। साल के अंत तक दोस्तों कृति सेनन कलाकारों में शामिल भी हो गई थी अभिनय करने के लिए, लेकिन दोस्तों 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया। इसमें दोस्तों शाहिद कपूर अभी भी जुड़े हुए थे। जनवरी 2021 में शाहिद कपूर ने पुष्टि किया था कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई है। सितंबर 2021 में भुवन अरोरा ने कहा था कि वह श्रृंखला पर काम कर रहे थे जब वह चेन्नई में थे।
द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे तब, तो दोस्तों राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन शुरू होने के 40 दिन बाद वह प्रोडक्शन में शामिल हो गए थे और इसके बाद दोस्तों सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी सहकलाकार राशि खन्ना को दिया, जिनके साथ उन्होंने पहले तमिल फिल्म में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई। फिल्मांकन गोवा, अलीबाग, नेपाल और जॉर्डन में इस फिल्म को फिल्माया गया है। इस सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा दोस्तों 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजनाओं की लॉन्च प्रदर्शन के दौरान दोस्तों श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई थी। वहीं दोस्तों शाहिद कपूर, सेतुपति और राशि खन्ना और के मिलन, उनके अलावा दोस्तों रेजीना, केन सेंडर, जाकिर हुसैन, ये सब इस फिल्म में नजर आए हुए हैं लीड रोल में। लेखक के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, लेखिका सीता मिलन ने कहा था कि राज और डीके के शो द फैमिली मैन के साथ दोस्तों क्रॉस ओवर का संकेत देने वाला एक दृश्य पूर्व नियोजित नहीं था और यह विचार राज को शूटिंग के दिन ही दोस्तों आया था। और जहां भी डीके ने बाद में दोस्तों क्रॉस ओवर की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों श्रृंखला में दुनिया दोस्तों एक दूसरे के समांतर चलती नजर आ रही थी कहानी के अंदर। दोस्तों इस फिल्म की हीरो शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की विशेषता वाले फर्जी के दो फर्स्ट लुक पोस्टर सबसे पहले 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे, जहां पर दोस्तों एक हफ्ता बाद 13 जनवरी को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया। और इसके बाद दोस्तों फिल्म के शो को बढ़ावा देने के लिए प्राइम वीडियो ने सेवा से दोस्तों ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 2000 के नकली नोट भेजने के लिए स्विक के साथ दोस्तों सहयोग किया था। और दोस्तों ये सीरीज 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। और दोस्तों उस महीने के अंत में कपूर ने पुष्टि किया था कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस जरूर आएगी। तभी दोस्तों मार्च 2023 में बता दें जोरावर सिंह, उनके अलावा दोस्तों कलसी नाम के एक यूट्यूबर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह को श्रृंखला के एक दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए गुड़गांव में दोस्तों गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने एक तेज रफ्तार कार से नकली नोट फेंके थे। इसी तरह दोस्तों फिल्म के आलोचकों ने अभिनेता शाहिद कपूर और दोस्तों उनके अलावा विजय सेतुपति और दोस्तों कई सारे अभिनेता फिल्म में नजर आए थे, एक साथ सभी ने फोटो खिंचवाया था। दोस्तों वहां पे अभिनय की प्रशंसा की गई थी। इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने लिखा है कि एक मनोरंजन कहानी के लिए धन्यवाद। इसमें दोस्तों समान रूप से गति वाली श्रृंखला देखने को मिली, जहाँ पे व्यक्तिगत अध्यायों और दोस्तों उसके सभी 8 एपिसोड में अपनी गति बनाए रखते हैं। और अभिनेता शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और के मैन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, जिसकी वजह से दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि अतुलनीय विजय सेतुपति फिल्म में दिखते हैं। इस फिल्म में विजय सेतुपति का किरदार काफ़ी अच्छा उनको लगा था, जीवंत लगा, जो शो को जीवंत करते हैं, जो अपने स्टार शाहिद कपूर की सेवा में लगे हुए हैं। इसके कथानक के बारे में हम बात कर लेते तो दोस्तों द हिंदू के अनुज कुमार जी ने भी इसकी तुलना द फैमिली मैन से ही की। यहाँ पे दोस्तों प्रतिकूल ये निकाला गया और प्रतिकूल रूप से दोस्तों इसका रिव्यू करते हुए लिखा गया है कि द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी निर्धारित की गई थी वह यहाँ पर बार बार दोस्तों दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें है। और इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त किया था कि कैसे लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों बिताए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को ढीला छोड़ दिया गया है, लेकिन शाहिद कपूर और सेतुपति के प्रदर्शन को शानदार ढंग से बनाया गया है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को Rediff.com की तरफ से रिव्यू किया गया। उनके तरफ से दोस्तों दीपा गहलोत ने विजय सेतुपति और के मिलन के प्रदर्शन की सराहना की और दोस्तों उन्हें कुछ एपिसोड इसके अलावा दोस्तों एंड्रो लाइन पंपिंग वाले लगे, लेकिन दोस्तों अन्य एपिसोड उबासी प्रेरक लगे हैं। इसके बाद दोस्तों दीप प्रिंट की निधिमा तनेजा ने इसे रोचक अपराध थ्रिलर कहा और उन्होंने कहा कि भुवन अरोरा को श्रृंखला का ब्रेकआउट प्रदर्शन पाया गया फिल्म में, जो इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने लिखा है कि फर्जी एक दिलचस्प घड़ी को लेकर आया है, लेकिन दोस्तों बहुत अधिक विवरण के साथ ये कुछ हिस्सों में थकाऊ भी लगता है। उन्होंने कहा कि शाहिद कपूर ने इस बार दोस्तों इसे बाहर निकाल दिया है, जो दोस्तों विजय सेतुपति को उल्लेखनीय और मिलन को शीर्ष श्रेणी कहा गया। इसी के साथ दोस्तों स्क्रॉल इनकी नंदिनी रामनाथ ने कहा कि शो की खूबियों में दोस्तों अच्छी तरह से चुने गए कलाकार नजर आए, यहाँ पे दोस्तों मजबूत व्यक्तिगत क्षण और इसके अलावा मीम्स के रूप में दोस्तों बने रहने वाले संवाद भी देखने को मिले और शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों वह विशेष रूप से पंकज कुमार की सिनेमेटोग्राफी से प्रभावित थी,
जिसके बारे में दोस्तों उन्होंने कहा था कि इसमें गति पैदा करने के लिए दोस्तों लगातार कई टेक्स्ट शामिल किए गए हैं, जो एक दोस्तों शानदार काम है। और तभी दोस्तों प्रफुल्लित किया गया और प्रफुल्लित करने वाले मुंबई के दोस्तों यानी कि भीषण ट्रैफिक जाम में पीछा करने का दृश्य भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगर क्या होता जब कोई कलाकार दोस्तों कानून की सीमाओं को पार करता है, ये भी एक सवाल है। क्या होता है जब दोस्तों वह एक साधारण मुद्रा नोट को कला के एक चुनौतीपूर्ण काम के रूप में देखना शुरू कर देता है। फिल्म के लेखक और निर्देशक जोड़ी राज और डीके के हमारे समय की दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं से जूझते हुए करिश्माई चरित्र बनाने की अद्भुत क्षमता को दिखाया गया है। उनका कैनवास जीवन से भी बड़ा होता जाता है, लेकिन दोस्तों वह भावनाओं और विचारों की यहाँ पे जरदोजी को तीखे हास्य से दोस्तों यहाँ पे पिरोए धागे से समझते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म के अंदर उत्सुक यानी कि मास्टर इसी के साथ दोस्तों कारीगरों के विवरण के साथ बातचीत करते हैं, जो दोस्तों फर्जी के साथ हुआ एक यहाँ पे एवरी मैन यानी कि सीक्रेट एजेंट के साथ ब्रह्मा का विस्तार भी किया है, जिसे दोस्तों उन्होंने द फैमिली मैन के साथ बनाया था। वहीं पे भावनाएं फिल्म के अंदर स्वादिष्ट रखा गया है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज का 8 एपिसोड के बाद जो बहुत सारे दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण आते हैं और दोस्तों हंसने के लिए बहुत कुछ प्रदान किया गया है। श्रृंखला एक डमी बेचे जाने की भावनाओं के साथ दोस्तों छोड़ दिया जाता है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इन वर्षों में अभिनेता शाहिद कपूर उन भूमिकाओं में उत्कृष्ट नजर आए हैं जहाँ पे चरित्र के आत्मसम्मान पर दोस्तों हमला होता है। यहाँ दोस्तों एंटी हीरो सनी के रूप में वह उल्लेखनीय रूप से उस भूमिका में एक अजीब मुस्कान के साथ विचारशील जो है तीव्रता का मिश्रण करते हैं, जिसमें उनके वास्तविक जीवन की झलक को दिखाया गया है। बचपन में अपने पिता द्वारा त्याग दिया गया और तभी से सनी अपने धर्मी नाना यानी कि अमोल पालेकर की छात्र छाया में बड़ा हुआ, जो क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और उसके बाद दोस्तों कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। सनी फिल्म के अंदर क्रांति पत्रिका नामक समाचार पत्र निकालता है और वह कांपते हाथों से द ठिंकर को चित्रित करता है। हालांकि युवा कलाकार अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और मूल काम की तुलना में उनकी और दोस्तों नकली के लिए अधिक भुगतान भी करते हैं। जैसे ही दोस्तों उसने देखा कि पेयर शरण और दोस्तों बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण धीरे धीरे यहाँ पे मुरझाता है, तो दोस्तों क्रांति सनी के लिए एक सेवानिवृत्त विचार बन जाती है। लेकिन दोस्तों नानू और उसके दोस्तों दहते विचारों को बचाने के लिए कलाकार आगे बढ़ते हैं और अपनी कला को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेच देते हैं। जैसे जैसे उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उस पर हावी होते नजर आती है, सनी एक ब्लैक होल में फंस जाता है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि एक आदमी अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ता है और कैसे वो फिल्म में भस्म हो जाता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी नैतिक दुविधाओं से भरी हुई है, जिसे दोस्तों निपटना आसान नहीं है। जहाँ पे भावनात्मक ट्रैक दिखाया गया है, सनी को दोस्तों डर है कि उसका नानू जिसकी याददाश्त दिन पर दिन जो है खराब होती जा रही है, उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों उसने उसके विश्वास का उल्लंघन किया, एक सहजता दोस्तों भावना पैदा करते हैं। तब दोस्तों सनी अपने नानू को पीछे से गले लगाने वाला सिंस आंखों में नम कर देता है और ये दोस्तों पालेकर की प्राचीन उपस्थिति है, जो अपने जो है प्रोजेक्ट को सावधानी से चुनते हैं, जो हमें दोस्तों वैचारिक जो है इसके अलावा इस लग ऑफ फेस की अखंडता में विश्वास दिलाता है। और तभी दोस्तों जब लेखक ट्रैक से भटक जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें को संभाला गया है। दोस्तों एक और यहाँ पे किरदार है माइकल का, विजय सेतुपति है इस किरदार में, जो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने वाला एक अनसंभावित जो है कुशल अधिकारी है, जो देश को नकली मुद्रा के संकट से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी ओर मंसूर यानी कि के मिलन दृश्यों को बचाते हैं। दोस्तों वो अपने जो है ट्रेडमार्क यानी कि उत्कृष्ट के साथ एक सरीसृप आकृति जो है सनी की कल्पना और उसके उद्देश्य के लिए महत्वाकांक्षा को पंख देती है। विजय सेतुपति एक ही समय में उपयुक्त रूप से समझदार और आकर्षक है। जिस तरह से दोस्तों वह हिंदी में अपने संवाद बोलते हैं उसमें एक खास तरह का प्यार दिखता है, लेकिन दोस्तों अब शब्द भी आपको दिखता है और प्यारे लहजे उनके लगते हैं और ये उनके शारीरिक और मुखर स्वर की शैली के बीच एक दिलचस्प अंतर पैदा करता है। और इसी के साथ दोस्तों मोहनलाल की याद दिलाता है, जिन्होंने दोस्तों कंपनी में एक प्रतिबंध कानून लागू करने वाले की भूमिका निभाई थी और दोस्तों उनकी पारिवारिक कहानी श्रीकांत तिवारी की तुलना में आधी भी दिलचस्प नहीं है।
लेकिन विजय सेतुपति ये सुनिश्चित करते हैं कि ये तब तक दोस्तों स्वादिष्ट बनी रहे जब तक दोस्तों माइकल अगले सीजन में तिवारी के साथ नोट्स साझा नहीं कर लेते। इसी के साथ दोस्तों शादी के साथ ये दूसरा तरीका है, वह एक मनमोहक दुष्ट के रूप में सामने आते हैं जिसकी दोस्तों परिस्थितियाँ उसे एक दलदल में धकेल देता है। और ये अफसोस की बात है कि हमें पहले सीजन में दोनों के बीच आमना सामना देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दूसरे सीजन के लिए पोर्ट को चालू रखने की साजिश रची हुई है। भले ही दोस्तों इसका मतलब कहानी कहने से दोस्तों समझौता करना और रुचि की स्थिर करना होगा। कहानी के बीच में एक प्रमुख है, लेकिन दोस्तों अच्छी तरह से लिखा गया है ट्रैक, जहाँ पे दोस्तों सनी नकली मुद्रा पर एक विशेषज्ञ मेघा राशि खन्ना के माध्यम से क्रेग टीम में घुसपैठ करता है, जो दिखावे के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब दिल की बात आती है तो वह लड़खड़ा जाती है। और ये दोस्तों भाग इस तरह से लिखा गया है कि किसी को दोस्तों कुछ समय के लिए अविश्वास को यहाँ पे स्थगित करने को कोई भी अनुकूल पति नहीं है। इसके वजह से दोस्तों राशि एक ऐसी लड़की के रूप में भी प्रभावित है, प्रभावशाली है, जो शनि के जादू से अपने लक्ष्य से ज्यादा दोस्तों विचलित नहीं होती है। आगे दोस्तों हमेशा की तरह एक्शन, राज और डीके की यूनिवर्स यानी कि करंट अफेयर्स, और इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड स्कोर से जुड़ा हुआ है। मंत्री के बारे में हम बात कर ले तो मंत्री यानी कि गहलोत, जाकिर हुसैन का हर चीज को दोस्तों चुनावी राजनीति से जोड़ने का आग्रह फिल्म के अंदर शानदार है। और जिस तरह से माइकल उन्हें हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मंत्री के पैर खींचने पर अखबार में एक बड़ी तस्वीर का विचार देते हैं, वो भी देखने में काफी ज्यादा कॉमेडी सीन लगता है। हालांकि सभी चित्र निर्माण और सक्षम प्रदर्शनों के लिए एक द फैमिली मैन का सरल जो है प्रशिक्षण है, यहाँ पे गहन अनुभव यहाँ पे गायब हो गया, क्योंकि निर्माता ये रेखांकित करने के लिए उत्सुकता को दिखाते हैं। फर्जी एक जादूगर के काम की दोस्तों तरह लगता है, जो बाजार की मांग पर अपनी चाल दोहराता हुआ नजर आता है। इसके बाद दोस्तों द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियां निर्धारित की गई थी वो भी देखने लायक है। वह यहाँ पर दोस्तों बार बार दोहराई जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों परेशान करने वाली भी चीजें हैं। फिल्म की पटकथा उस आकर्षक दोस्तों कोड की तरह लगता है, जिसकी दोस्तों लाइनिंग ठीक से नहीं दिखाई गई है और 8 एपिसोड के उतार चढ़ाव के दौरान रास्ता छोड़ दिया जाता है। ऐसे हिस्से फिल्म में है जब दोस्तों ऐसा लगता है कि नकली मुद्रा पर लेखकों के शोध नोट्स स्क्रिप्ट में दोस्तों फिसल जाती है, और हम नकली बिलों को स्क्रीन पर कैसे प्रदर्शित किया गया है ये भी देखने को मिला। उस पर दोस्तों एक निर्देश यहाँ पे पुस्तिका देख सकते हैं, जहाँ पे मजे की बात यह है कि लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों खर्च किए हैं, लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया गया है, जो ज्यादा देखने में मजा नहीं आता है। तो दोस्तों अगर फर्जी की पूरी कहानी को समझना चाहते हो तो आपको ये सीरीज तो एक बार देखना होगा। अगर दोस्तों फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो जब कोई शो या फिल्म कलाकारों के एक समूह के साथ बनाई जाती है तो सभी पात्रों के बीच संतुलन बनाना कठिन तो होता है, लेकिन दोस्तों राज और डीके के इस पहलू में बेहद यानी कि सफल रहे हैं, और शो में आने वाले हर किरदार को अहमियत मिली हुई है, चाहे वह के मिलन के गिरोह का गुंडा हो या फिर अपने जो है प्रेमी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उससे दोस्तों अलग होना चाहती हूँ। हर किरदार का अपना उद्देश्य इस फिल्म में काफी शानदार है। विजय सेतुपति प्रतिभा के सागर है और दोस्तों वह अभिनेता एक बार फिर शो में शानदार प्रदर्शन करते हैं, जिसके वजह से टास्क फोर्स अधिकारी के रूप में वह बहुत प्रखर है, और अगर कोई अन्य कलाकार इसे निभाता तो इसका प्रभाव इससे बेहतर नहीं हो सकता था। और दोस्तों उनकी कॉमेडी टाइमिंग निश्चित रूप से आपको गुदगुदाने वाली देखने को मिलेगी, जो केंद्रीय मंत्री के साथ विजय सेतुपति के दृश्य बड़ा फिल्म के अंदर दोस्तों मनोरंजन तरीके से उनके साथ फिल्माया गया है। इसी के साथ दोस्तों आगे आपको बता दें, सनी के रूप में शाहिद कपूर ने पार्क से बाहर दस्तक दी, जहाँ शाहिद कपूर फर्जी की आत्मा है, जिसके चारों ओर दोस्तों पूरी कहानी घूमती है, चाहे वह कॉमेडी हो या फिर इमोशंस हो या फिर एक्शन हो या फिर रोमांस। अभिनेता ने इसमें दोस्तों अपना सब कुछ झोंक दिया है और शो में शाहिद बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उन्हें अपने अभिनय के लिए दोस्तों निश्चित रूप से जबरदस्त यानी कि तालियां मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों निर्माता ने शाहिद के चरित्र के माध्यम से कुछ सामाजिक जो है तत्वों को भी छुआ है, जो भुवन अरोड़ा का विशेष उल्लेख आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ अभिनेत्री राशि खन्ना के बारे में हम बात करें तो राशि खन्ना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वह इसमें आश्चर्य
चकित भी कर दिए सभी को और उन्हें अभिनय के लिए अधिक जो है अवसर मिला और अभिनेत्री भूमिका में उपयुक्त थी और के मिलन खलनायक के रूप में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सभी का सेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फर्जी वेब सीरीज का अधिकार दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो को दिया गया है। इसके 8 एपिसोड को 2023 में 10 फरवरी को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो अमेज़न प्राइम वीडियो में सीरीज को आप देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ट्यूल एंड सी यू सून।